देख रही हूँ सीधा कौन सा है उल्टा कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या पता है आपको, ये हमारी जो आदत है ना वो ये है कि हम टारगेट बनाते हैं कि बस मुझे ये काम करना है। ओह, उसने ये गाड़ी ली है, बस मेरी ज़िंदगी का मिशन है मुझे ये गाड़ी लेनी है, उसके लिए मैं मेहनत करूँगी या करूँगा, अल्लाह सांस आ जाए। ऐसे भागती भी आई हूँ मैं, एक वीडियो बना के ज़रूर डालूँगी। जिस तरह ये जो 9 बजे की घड़ी है ना, ओहो, जो मेरे घुटने रह गए ना इसलिए रह गए, मैं भागती भी आती हूँ चाहे कितनी भी जल्दी कर लूँ मगर एक आध मिनट लेट हो जाता है। और मेरा टारगेट होता है ना सुबह का, और इतने सालों से ये टारगेट है तो ये मुझे डिसिप्लिन करता है। सो जब अगर हमारी कोई मंजिल होती है, कोई टारगेट होता है ना, वो हमें अचीव करना होता है, तो हम उसके लिए ना बड़ी जद्दोजहद, बड़ी मेहनत करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने देख लिया कि उसने फ़लानी जगह घर लिया है और वो बड़ा ज़बरदस्त इलाका है, मियाँ के कान पे बात डाल दी, ज़िंदगी का ख्वाब है, किरायों पे गुजार दूंगी ज़िंदगी, पैसे जमा करके लेना मुझे उधर ही घर है। सो मेहनत मशक्क़त शुरू हो जाती है। फिर अगर आप देखिए किसी को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई खूबसूरत जोड़ा या ज्वेलरी पहने हुए देखकर आप मिशन अपना बना लेते हैं, मुझे ऐसा जोड़ा बनाना है। अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती ना कि ये जोड़ा बहुत महंगा है, सो आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं किस तरह कॉपी करूं, कैसी बेल लगी है, कैसा प्रिंट है, कैसा कलर है, कुछ तो उससे मिलता जुलता कट हो। सो आप ये ट्राई करते हैं जब तक आपकी मंजिल आपको ना मिल जाए, उससे मिलता जुलता कुछ ऐसा ना मिल जाए। फिर आप कभी कहीं किसी के सोफ़े या पर्दे या कोई फर्नीचर या घर की सेटिंग, एक टारगेट सेट हो जाता है ना, आपको पता चल जाता है ओह ये मेरी आँख को अच्छा लग गया है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा घर सेट करना है। और आप फिर कोशिश करते हैं, आप इंस्पिरेशन लेते हैं दुनिया जहान में किसी से। अगर कोई डिज़ाइनर है तो डिज़ाइनर इंस्पिरेशन लेता है, कभी वो नेचर से लेता है, कभी वो किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लेता है। ऐसी ऐसी इंस्पिरेशंस होती हैं कि आप सोच नहीं सकते, मगर उससे क्या होता है, आपको एक सिम्त मिलती है कि मुझे करना क्या है। जब इंसान को करने का पता ही नहीं होगा तो वो फिर क्या करेगा, ज़िंदगी ज़िंदगी कितनी बोरिंग होगी। और उसी तरह जब हम टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, मैगज़ीन्स देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हमारे सामने आती हैं, हम ना सिर्फ उनके टैलेंट को पसंद करते बल्कि हम उनको देख के ये एडमायर करते हैं, ये दिखती कितनी अच्छी हैं, अल्लाह कितनी फ़िट है, 4 बच्चों की माँ हैं, 2 बच्चों की माँ हैं, शादी हो गई लेकिन इतनी फ़िट कैसे हैं, क्या राज है, इनकी स्किन क्यों नहीं ख़राब होती है, ये मेरी उम्र की है लेकिन इसकी तो झुर्रियाँ नहीं आई, मेरी आ गई। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें फॉलो करना शुरू करते हैं कि हमारी मंजिल इन जैसी स्किन है, हमारी मंजिल इन जैसे बाल हैं, और हाथ पाँव और लाइक बेसिकली जो इन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा है, ये सब चीज़ें, आपकी बॉडी टाइप चाहे कैसी भी हो, लेकिन आपको एक मंजिल, एक मिशन चाहिए होता है और इस मिशन के लिए आप इन्हें फॉलो करती हैं। मगर देखिए, उनके माँ बाप अलग, उनके हॉर्मोन्स, उनकी जीन्स, उनके स्किन, उनके बाल, सब कुछ अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि ये जो उन्होंने बता दिया वो एक फॉर्मूला है जो हर कोई फॉलो कर ले। सो इसीलिए मैंने कहा, आपकी ख्वाहिश पूरी ज़रूर हो मगर आपको मद्देनज़र रखते हुए। अब ये कौन है, सेलिब्रिटीज़ के पास तो इतना टाइम नहीं है कि उन्होंने एक जो अपनी मुंह पे चीज़ लगाई है वो बनाए और उसके बाद फिर ड्राई स्किन, फिर ऑयली स्किन, फिर सेंसिटिव स्किन, और उन सब चीज़ों को लेकर अलग अलग से सेशंस दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। सो मुझे आइडिया आया, मैंने कहा बातें आपके मनपसंद सेलिब्रिटीज़ की जो वो अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, और उस पर ठप्पा हम लगाएंगे एक्सपर्ट्स का। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माहिरा ने बताया कि वो अपने स्किन पे ये लगाती है, ये मिक्सचर है, वो मिक्सचर बनाने के बाद आप ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव या जो भी टाइप आपकी, आपके बाल या आपके आपके चेहरे की स्किन है या आप का मोटापा है या जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम है, उससे उस पे ठप्पा लगेगा एक्सपर्ट का, और वो ये बताएंगी कि ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या नहीं होगा, और अगर आप ये हैं तो उसमें क्या चीज़ें ऐड इन कर लें, माइनस कर लें। ये है ना पते की बात, आइडिया दिमाग में आया तो बस, इंतज़ार नहीं किया, सब्र नहीं किया, फौरन आपके सामने शो डिज़ाइन करके ले आए। सो आप भी इंतज़ार कीजिए मेरा, क्योंकि मैंने इंतज़ार नहीं किया आप तक इस शो को डिज़ाइन करके लाने में, आप थोड़ा सा इंतजार करें क्योंकि आपके मतलब का काम होने वाला है। छोटे से ब्रेक के बाद, गुड मॉर्निंग। सुबह जो आई है तेरी बल के झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल।
वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आपके मतलब का शो है, आपके मतलब के एक्सपर्ट्स हैं और ये आपके मतलब की सेलिब्रिटीज़ की जो राज उन्होंने खुद बताए हैं आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए रद्दो बदल करके आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं। सेलिब्रिटी एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है जिन चीज़ों को लेकर, वो अपने एक्सपीरियंसेस अपने प्यारे फैंस से शेयर करते हैं और फैंस जो हैं वो वॉ में होते हैं कि मैंने भी ये करना है। सो बिल्कुल आप करें, मगर हमारी एक्सपर्ट्स का उस पर ठप्पा लग जाएगा, सो आपके लिए और आसानी हो जाएगी और आपके लिए क्या बेहतर है ये वो बताएंगे। डॉक्टर बिल्किस मेरे एक तरफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, गर्मी मुबारक आप लोगों को। डॉक्टर मिराहिल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आज तो कोई ग्लास स्किन हो रही है इस तरफ, इसका क्या राज है, कौन सी ग्लास स्किन का क्या किया? शुरू करेंगे तो बताएंगे। वो माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे, आज चमक रही है आपकी स्किन। फराह, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? दुबली कैसे हो रही हैं? आपने भी अपना राज बताना है, आप भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। आज सारे सारे राज फाश करने वाले हैं ना जी। और भाई एवरग्रीन, मैं इनको मॉडल कहूँ या है ना अनीस कहूँ, क्या कहूँ, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, जरा आप तो बाहर आके दिखाए ना, जरा आज क्या पहना हुआ है ना अनीस ने, बाल तो देखे जरा, ओ माई गॉड, अच्छे लग रहे हैं। मैंने सोचा है की मैं अपने कपड़ों की मॉडल अपने एक्सपर्ट से कराऊंगी, क्या ख्याल है? Done. ऐसे होगा कुछ, डील डन है ना हमारी? हमारी अगली मॉडल इन चारों में से और बतूल को भी ऐड कर लेंगे हम। बिल्कुल ऐसे ही कुछ होगा, हमारा कुछ डिफरेंट थीम होगा। एक्सपर्ट्स के हिसाब से कपड़े डिजाइन करेंगे। मैं आम औरत के हिसाब से कपड़े डिजाइन करती हूँ, जैसे आप लोग पहनते हैं, जैसे मैं पहनती हूँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। वो ऐसा कुछ करेंगे हम मिलके, सही है? बिल्कुल। ओके, सो अब हम जो रेमेडीज हैं वो आपके हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। अगर मैं शुरुआत करूं, हमें बहुत खूबसूरत सेलिब्रिटीज़ हमारे चारों तरफ हैं इस वक्त, अगर आप देख सकते हैं डॉक्टर बिल्किस की तरफ मैं जाऊं, तो माहिरा जो कि सीरत की तो अच्छी हैं और अल्लाह मियाँ ने सूरत भी उनको अच्छी दी, सो दोनों का कॉम्बिनेशन, वो कहते हैं ना कि दिल आपका आईना होता है। सो देखें, जितनी पॉजिटिव माहिरा है अगर उतनी पॉजिटिव आप भी हो जाए, सो 20% ब्यूटी तो आपके अंदर भी आ जाए, बिल्कुल आएगी। नंबर एक। नंबर दो, माहिरा ने बहुत सारी चीजें अपने बारे में बताई हैं और वक्तन वो अपने फैन से प्यार करती है, तो जो उनका पेज है माशन या और भी इंटरव्यूज, वो बहुत कुछ अपने बारे में बताती है। सो वहीं से हमने बहुत सारी चीजें पिक की और जो बड़े मशहूर हुई थी उनकी बताई हुई चीजें। डॉक्टर बिल्किस वो रेमेडी रिपीट करने के बाद फिर बताएंगी कि अगर आपकी ऑयली है, क्योंकि माहिरा की अलग स्किन है, क्या टाइप है माहिरा की? मेरे ख्याल में नॉर्मल लगती है मुझे देखने में, तो हाँ बिल्कुल नॉर्मल स्किन है। मुझे लगता है कि वो ड्राई है कभी लगता है, फिर कभी लगता है कॉम्बिनेशन वाली है। आपको नहीं लगता कि कभी ड्राई हो जाती है कभी ऑयली हो जाती है? हाय मेरा बंदा, तो स्क्रीन पे इतनी प्यारी लगती है, मैं उस तरफ जाती है। ये तो है हाँ। लेकिन जैसे जैसे बोल में मायरा को हमने देखा था, तो वो उससे उस वक्त उसको इतनी मेकअप की नहीं सेंस थी, तो पाउडर बहुत लगा लिया था हाँ। तो वो ड्राई लग रही थी। अब मायरा को ये पता है कि कितना कम पाउडर लगाना है, क्या मेकअप करना है, तो उससे उससे बहुत मेकअप से बहुत फर्क हाँ मेकअप से फ़र्क पड़ता है, आपके स्किन टाइप से फ़र्क पड़ता हाँ है। मायरा खान ने बहुत ज़बरदस्त रेमेडी बताई है कि लेमन, हनी और पानी, इन तीनों को कॉम्बिनेशन उन्होंने अपने स्किन पे वो इस्तेमाल करती हैं। ये किस चीज़ के लिए होता है? ये देखिए, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, ठीक है। लेमन, हनी और उन्होंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया ताकि लिक्विड हो जाए जी। अच्छा, अब अगर आपकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपकी एजिंग स्किन हो रही है तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे? आप लेमन को हटाएंगे और उसमें दही डाल देंगे। अच्छा हाँ। अच्छा, ये चीज़ मायरा ने बताई थी कि डिहाइड्रेशन ख़त्म करने के लिए, चेहरे पे ग्लो लाने के लिए, हाँ ठीक है, शहद, लीमू और पानी। आपने कहा कि अगर आपकी स्किन जो है वो एज कर रही है, एज कर रही तो है, आप उसमें लेमन निकालेंगे, लेमन निकालेंगे और आप दही मिलाएंगे, दही मिलाएंगे, तो दही मिलाने से ये एज साइन को रोकने के लिए और रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए भी बहुत अच्छा पैक बन जाएगा। और बहुत सारे लोगों को लेमन से एलर्जी होती है, सिट्रिक हाँ इसका जो है विटामिन सी इसमें होता है, लेकिन कुछ लोगों को जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं उनको लेमन सूट नहीं करता। ओके, तो दही सही तो रहेगी, दही उनके लिए प्री एंड प्रोबायोटिक है। ओके, तो वो उनके लिए खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, लगाने के लिए भी हाँ बहुत अच्छा है। आपको पता है मैं आज कल रोज सुबह जो है वो दही खा रही हूँ,
और जब मेरे मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रहे होते हैं वो कहते हैं आपकी स्किन अच्छी हो रही है, मैंने कहा हाँ सीरम्स तो मैं लगाती हूँ मगर दही खाने से, वो भी निहार मुँह बिल्कुल, तो वो उससे भी आपका खाने से फर्क पड़ता है। अच्छा मेरे मेरे टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, अच्छा वो मतलब उन्होंने तालीम याफ्ता नहीं है लेकिन इल्म उनके पास बहुत था, तो वो एज मुझे जब दही की बातें बताते थे तो वो ये कहते थे कि बेटा दही बॉडी की ग्रीस है, जैसे ऑयलिंग है, जैसे आप गाड़ी में अगर उसको ऑयलिंग नहीं करोगे तो वो चलेगा कैसे, चलेगा। तो इसी तरह जो दही है अगर वो सुबह निहार पेट इस्तेमाल किया जाए तो अल्सर नहीं होता, आंतों की बीमारी नहीं होती, स्किन आपकी ग्लो करती है, आपके हड्डियों में दर्द नहीं होता। लेकिन दही घर का बना हुआ और ताज़ा दही, दो दिन रखा हुआ खट्टा वाला दही नहीं, वो आपके स्किन के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। उसके सिर्फ दो चम्मच अगर आप पानी में डाल के पियेंगे तो फिर उसके प्री एंड प्रोबायोटिक्स नई बनी हुई दही से बहुत अच्छा होता है। तो दही बहुत अच्छी चीज़ है, इस्तेमाल किया करें, आप यही सोच के कर ले कि स्किन अच्छी हो जाएगी। तो ये बीमारियों को भी ख़त्म करता है। अच्छा मैंने इसमें एक चम्मच दही लिया और इतना ही मैं इसमें शहद मिलाऊंगी। ठीक है। अच्छा ये है ना दो तीन चीज़ें हैं बंदा आराम से कर लेता है, जब वो चीज़ बताई जाती है कि ये भी डालो तो वो भी डालो तो सौ चीज़ें याद भूल जाती है, मतलब ये फिंगर टिप्स पे आ गई। ये माहिरा ने बताया है लीमू शहद और पानी झटपट, और हर घर में होती है कॉमन चीज़ें, हर टैबलेट से निकाला। अच्छा ये जैसे ये गर्मियों के लिए भी सही है और सर्दियों के लिए भी, या मौसम का थोड़ा सा चेंज? देखिए इस मौसम के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा अगर आपको लेमन सूट करता है चेहरे पे तो आप लेमन इस्तेमाल करें, अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी, नॉर्मल स्किन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही शहद पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके ठीक है, क्योंकि दही का पानी होगा। हाँ तो आपको मिल जाएगा। हाँ। आपको ये हर किस्म की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा। ओके, ओके। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी अपने स्किन के हिसाब से। मेरी नानी ने बताई थी। हाँ। आइए अब हम चलते हैं किसकी तरफ, दुर्रे कौन है, दुर्रे फिशा, दुर्रे फिशा, दुर्रे फिशा की स्किन भी इतनी खूबसूरत है, जैसे जब से दुर्रे फिशा आई है ना, मतलब लाइक इंडस्ट्री में मुझे वो तब से ही बहुत प्यारी लगती थी। हाँ मतलब आई डोंट नो, उसके चेहरे पर एक अट्रैक्शन है स्किन के साथ, उसकी आंखें और ये पैकेज अल्लाह मियां ने बनाया है, माशाल्लाह बड़ी भोली इनोसेंसी और स्किन बहुत अच्छी है, बहुत। अच्छा अब आप नोट करें कि लाइक ये वो लड़कियां हैं जो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखती हैं, ये सही वाला ब्रांड यूज करती हैं मेकअप के लिए, स्किन को जो है ज्यादा मेकअप नहीं करती, कम करती हैं। और जैसे दुर्रे फिशा से भी जब भी मैंने इंटरव्यू किया तो वो कहती है कि मैं जो भी इन्वेस्टमेंट है कपड़े और मेकअप के बजाय मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी स्किन पे करती हूँ। सर्टेन उसके डॉक्टर्स हैं जिनके पास वो जाती है स्किन की सब ट्रीटमेंट्स के लिए, जो भी उसको दवाइयाँ या सीरम्स चाहिए होते हैं, और फिर उसने बहुत सारी जगहों पे ये घरेलू टोटके भी बताए। उसकी भी अम्मी कहती है बड़ी खूबसूरत है, वो जीन्स में भी आया है, दिल की भी बहुत अच्छी है। तो वो सारा चीज़ें मिलकर हम अब दिल का आपको अच्छा बनाने में हम वो आपके अम्मा अब्बा का क्रेडिट है, आपका अपना हाथ है। हाँ लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो दुर्रे फिशा ने आपको रेमेडी बताई उसको हम आपके हिसाब से पेश करें, क्या रेमेडी? अच्छा दुर्रे फिशा की रेमेडी इतनी परफेक्ट और इतनी कहना कि कंप्लीट है कि उसमें हर चीज आ जाती है। जैसे उसको यूज तो करती है एज अ मेकअप रिमूवर। अच्छा इसलिए कि आपका मेकअप प्रॉपर रिमूव होना बहुत जरूरी है कि शूट कर रहे हैं, मॉडलिंग हो रही है, इतना ज्यादा मेकअप है, अगर उसको रिमूव नहीं करेंगे तो स्किन खराब होना शुरू हो जाएगी, पोर्स क्लॉग हो जाएंगे। तो ये जो उनकी रेमेडी है जो मेकअप रिमूवर के तौर पर यूज कर रही है उसमें ये जौ का आटा इस्तेमाल करती है, उसमें उन्होंने ऑरेंज कीनू के छिलके हैं, दूध है, दही है और पिसे हुए बादाम है। अगर आप देखें तो ये तमाम चीज़ें जो हम डिफरेंट फेस पैक के अंदर यूज़ करते हैं, उपटन के अंदर यूज़ करते हैं, इन इस तमाम चीज़ों को, पांच चीज़ों का जो कॉम्बो यूज़ कर रही हैं ये मेकअप रिमूविंग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। तो इनसे इन चीज़ों को मिला के जो पैक बन रहा है, जौ का आटा जो है ये आपके स्किन का ऑयल बैलेंस कर रहा है। अच्छा नहीं ये मतलब क्या क्या मिलाती हैं? जौ का आटा, हाँ, कीनू के छिलके, ठीक है, पिसे हुए बादाम, ठीक है, दही और दूध।
ये एक सर्टन स्क्रब बन जाएगा कुछ जो इसमें सारे अज्जा हैं। देखिए सारी चीजें अगर आप पीस रहे बिल्कुल फाइन तो ये बिल्कुल क्रीमी पेस्ट बनेगा, लेकिन ये जो बादाम होते हैं हल्के से इसके ग्रेनुल्स आते हैं तो ये लाइट से बहुत ही माइल्ड सा स्क्रब बन जाता है। अच्छा इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जैसे आप दोनों फिशा जो चीजें बताई हैं, आपने जौ का आटा लिया, इसके अंदर आपने डाल दिया है ऑरेंज पील, फिर इसके बाद आपने जो बादाम का पाउडर है वो डाला, तमाम चीज़ें हम वजन। अच्छा लैक्टिक एसिड है दही हमने वो इसमें लाजमी ऐड करी है, इसका मतलब जो उनकी स्किन पे ग्लो आ रहा है वो दही और दूध की वजह से आ रहा है। और इसके बाद इसमें इन्होंने दही के बाद दूध भी ऐड किया, मतलब सोने पे सुहागा। ओके उन्होंने कोई चीज़ ऐसी छोड़ी ही नहीं जो कि स्किन की ज़रूरत पूरी ना कर रही हो, हर तरह की कि मेकअप भी रिमूव हो रहा है, हल्की सी माइल्ड सी ब्लीच भी हो रहा है, स्किन जो है हाइड्रेट भी हो रही है। जो हल्की सी ब्लीच हो रही है स्किन वो किस अज्जा की वजह से? बादाम की वजह से और जौ की वजह से। और उसमें लैक्टिक एसिड जब मिलाएंगे दही मिलाएंगे तो वो तीनों जो ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग क्रीम बन जाती है। ओके आप वैसे भी बादाम और दही मिला के लगाना शुरू कर दे तो आपका जो रुआ है वो हल्का हल्का ब्राउन गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको रोजाना लगा के मसाज करें आधे घंटे के बाद वॉश कर लें। अच्छा जैसे बादाम पीसे तो उसको छिलका उतार के पीसे या ऐसे ही पीसे? छिलके के साथ पीसे। छिलके के साथ? हाँ बिल्कुल छिलके। और कड़वे बादाम ले तो बहुत अच्छा लगाने अच्छा। के खाने के लिए मीठे बादाम लगाने के लिए कड़वे बादाम तो वो स्किन को फौरी तौर पर ब्लीच करता है। जो बच्चियाँ वैक्सिंग नहीं करती ना करना चाह रही है लेजर नहीं कर रही तो वो बादाम। अच्छा अगर कोई बादाम के बजाय बादाम ऑयल डाले तो? देखिए ऑयल एक अलग चीज़ है, ऑयल पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, स्किन को हाइड्रेट करेगा लेकिन स्क्रब और ब्लीच नहीं करेगा वो। ओके ब्लीचिंग के लिए और स्क्रबिंग के लिए आपको बादाम का पाउडर ही यूज़ करना है। अच्छा ये जो पांच चीज़ें वैसे तो ये बिल्कुल कंप्लीट चीज़ है, इसमें कोई चीज़ मजीद ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक यंग स्किन के लिए एक हेल्दी स्किन के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए बेस्ट चीज़ है। बट होता है कभी कभी एजिंग भी तो आ रही है सबके स्किन तो मतलब सबकी एज तो जवान नहीं है, अगर एजिंग आ रही है और आपको लग रहा है कि आपके स्किन पे जो है ना आपके पोर्स खुल रहे हैं और स्किन लूज हो रही है, इसमें आप थोड़ा सा चावल का आटा ऐड कर लेंगे। इसी के अंदर 1 स्पून आपने चावल का आटा ऐड किया और उसके साथ दोरे फिशा के स्किन तो माशाल्लाह साफ़ है लेकिन बहुत सारी ख़वातीन बच्चियों का मसला होता है कि स्पॉट्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है, वो तमाम जो चीज़ें इस्तेमाल करी इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड कर लेंगे एक्स्ट्रा। मैंने सिर्फ 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हैं तो ये आपकी एजिंग स्किन के लिए और पिगमेंटेड स्किन के लिए जो छाइयों वाली स्किन है उसके लिए भी ये बेस्ट हो गया कि वो दुर्रे फिशा की रेमेडी के साथ ये 2 चीज़ें आपने ऐड की, आपकी रिंकल्स भी ख़त्म हो जाएंगी और आपकी छाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जो है आप वैसे अगर लगा चाहती हैं कि वाकई दुर्रे फिशा जैसी स्किन हो जाए वैसी माशाल्लाह ग्लो करती हुई यंग एंड फ्रेश स्किन जो कि तो चमकदार सी हेल्दी स्किन, तो इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए और एक्स्ट्रा उसके अंदर जो है आपने एलोवेरा जेल और चावल का आटा डाला। अच्छा एलोवेरा जेल डालने की वजह यह कि बहुत सी बच्चियाँ ख़वातीन कहती हैं कि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है, हम कुछ भी लगाते हैं स्किन रेड हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं, तो एलोवेरा जो है उसको हील करेगा, आपके स्किन पर रगड़ नहीं आएगी, आपके स्किन पर रैशेज़ नहीं होंगे, आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो वो उसको कंट्रोल कर लेगा। तो आप दुर्रे फिशा की रेमेडी से अगर स्किन सेंसिटिव है तो एलोवेरा जेल मिला के उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वेरी गुड ज़बरदस्त। अच्छा और ये हर एज के लोग कर सकते हैं? हर एज के। अच्छा ये इतनी प्यारी चीज़ें हैं कि ये तमाम चीज़ें चावल सिर्फ दुर्रे फिशा वाली चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये 12 साल की बच्ची भी लगा सकती है। अच्छा अब देखिए क्योंकि वो कह रही है मैं मेकअप इससे उतारती हूँ तो ये तो रोज़ लग सकता है। बिल्कुल इसका इसमें मसाज भी नुकसान ही नहीं है। मसाज किया आपने अच्छी तरह से क्लेंजिंग की उसके बाद वॉश किया अपना। वैसे भी अभी इतनी गर्मियाँ हैं अगर ये करेंगे तो आप सोचिए कि आपकी स्किन जो ख़राब हो जाती है लोगों की गर्मियों में इस तपिश की वजह से तो वो कितनी बेहतर रहे। अच्छा इसको बिल्कुल ये बहुत अच्छा उनके कि आज हमने बिल्कुल सही टाइम रखा ईद तक तो चमक रही होंगी बिल्कुल। नहीं आपको समझ लें कि आपका एक वॉश बन गया है तो आप इसी से फेस वॉश करना शुरू कर दें, एटलीस्ट नाइट वॉश जो है आपका इससे होना चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त थैंक यू। आयशा उमर गेट वेल सून। आयशा उमर जो है ये भी मैं अगर इनको कहूँगी कि ये इतनी हार्ड वर्किंग है इतना काम करती हैं मगर अप टू द मार्क स्किन बाल कपड़े सारी चीजें पता नहीं कैसे ये मैनेज कर लेती है। ये बड़ी अंदर से वो कहती हैं जिन है अंदर से और साथ ये मैं कहूंगी कि जैसे ये खाती पीती बहुत अच्छा तो इसकी आधी खूबसूरती का राज इसका खाना पीना इसकी एक्सरसाइज और आयशा का डिसिप्लिन जिंदगी को लेके टाइम पे सोना टाइम पे उठना टाइम पे खाना काम करना प्रोफेशनलिज्म ये ना बहुत मैटर करता है और छुट्टियों पे भी जाना
बिल्कुल ये नहीं कि सिर्फ काम 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 का, उसने अपनी लाइफ को बड़ा कैलकुलेटेड बांटा हुआ, ज्यादा मैनेज किया हुआ है, बहुत अच्छा। मैं मतलब लाइक सेट पे रोटी बना रही होती है, अगर नहीं मिल रहा तो खुद बना रही है, खा रही है, वो क्या कहते हैं कौन सी वाली जो मिक्स आटो की रोटी होती है, मल्टीग्रेन की है, मल्टीग्रेन मिलेट्स की रोटी खाती है। अच्छा वो खाना तो ऐसा बहुत अच्छा हेल्दी फूड खाती है, उनके बारे में नॉलेज भी बहुत ज्यादा है कि मैं क्या खा रही हूँ, क्यों खा रही हूँ। जब जिस चीज के बारे में शौक हो तो उसके साथ तो बैठो तो आप आधे डॉक्टर बन के रह सकते हो। ऐसे ही है ना, बहुत नॉलेज है। तो इनकी कौन सी रेमेडी, क्योंकि बहुत रेमेडीज अपने चैनल पे भी बताती है, इंस्टा पे भी, इंटरव्यूज में भी, कौन सी रेमेडी? अच्छा ये अपने स्किन का बहुत ख्याल रखती है, मैंने इनको बहुत ही पर्सनली, मैं इनसे मिली भी हूँ, मैंने इनको देखा भी है, मुझे इनकी स्किन, मुझे जो लगता है ना इनकी स्किन मुझे थोड़ी सी ऑयली लगती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्लो करती है उनकी स्किन, पहले होगी इनकी स्किन ड्राई, लेकिन जब से वो ख्याल रखना शुरू हो गई हैं, डाइट बहुत अच्छा लेती हैं, तो उनकी स्किन मुझे बहुत ग्लो लगती है, क्योंकि मेकअप आपको पता है वो बहुत ज़्यादा कम करती है, करती नहीं है, बहुत ही लेस उनका मेकअप। वो कहते हैं ना किसी पे सूट नहीं करता उसको पता चल जाए, आयशा बगैर मेकअप के ज़्यादा हसीन लगती है ज़्यादा वो। तो अच्छा वो अपनी स्किन का इस तरह ख्याल रखती हैं कि वो एक मास्क लगाती हैं, जिन्होंने मुझसे शेयर की है, हमसे शेयर की है कि मास्क लगाती हूँ, ये मास्क ऐसा है कि आप समझो आपका पूरा फेशियल हो गया, आपकी स्किन की पूरी क्लेंजिंग हो गई। अच्छा। तो वो बड़ा अच्छा सा मास्क है जो आयशा की स्किन के लिए है। ओके। तो ये जो ये सारी चीज़ें थी, मुझे इस तरह पता लगता है कि उनको लगता है थोड़ी सी इनकी स्किन जो है वो थोड़ी सी पसीना आता होगा या बहुत ज़्यादा ग्लो करती होगी, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए ये मास्क लगाती हैं, क्योंकि इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी शामिल है। अच्छा ये वो लोग सुन लें जिनकी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है, इस गर्मी में, इस मौसम का और उनकी स्किन का कोई आपस में लेना देना नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, तो वो उनके लिए है, इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी है जो आपके पसीने को, आपके ऑयल को कंट्रोल करता है। अगर ड्राई स्किन वाले लगाएंगे तो फिर तो वो चमक जो है हमारी नेचुरल वो खत्म हो जाएगी। ड्राई स्किन वाले तो बिल्कुल भी मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल ना करें। तो वो उन्होंने आयशा उमर की ये अपनी रेसिपी है, ये रेमेडी है, मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ इन्होंने शहद शामिल किया हुआ है, बहुत अच्छा है स्किन के लिए। अगर आपके कहीं कहीं आपके थोड़ा दाग धब्बे हो रहे हैं तो वो भी इसको क्योर करता है। अच्छा कीनू का ऑयल इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जा रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए कीनू का इन्होंने ऑयल इस्तेमाल किया है। कीनू का छिलका नहीं किया ताकि वो ड्राइनेस की तरफ ना चला जाए। तो इन्होंने बड़ा इस चीज का ख्याल रखा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत ही कम, हाफ टी स्पून। और इस पैक को इन्होंने मिक्स किया है रोज वाटर के साथ। अच्छा कितनी सारी, वो इतनी अच्छी चीजें इन्होंने शामिल की हैं जो आपकी स्किन को नुकसान दे ही नहीं सकती है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा करेगी। जो आपकी स्किन टाइप है, बहुत ज्यादा ऑयल आपका निकल रहा है, तो ये सारा आपको क्योर करेगा। हमने रोज वाटर के साथ रोज वाटर उसको डाला है, हमने इसको ऐड किया है, पानी का इस्तेमाल नहीं किया। एक अच्छा सा इन्होंने मास्क बना लिया है, देखिए इस तरह से मास्क बन गया है। मास्क को अपनी स्किन पे लगाएं और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में ड्राई हो जाता है। ओके। जब ये ड्राई हो जाएगा तो सिंपल आपने इसको वॉश कर लेना, फिर इसका जादू देखें। ऐसा जादू होगा कि आपकी जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑयल निकल रहा होगा वो भी कंट्रोल हो जाएगा, स्किन ग्लो करेगी, क्योंकि कीनू के जो हमारे पास ऑरेंज ऑयल है उसकी वजह से, रोज वाटर में भी ऑयल होता है, उसकी वजह से भी ग्लो करेगी और स्किन आपकी बहुत अच्छी। मतलब ये आयशा उमर खूबसूरत जैसी खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा और एक छोटे से ब्रेक पे जाऊं अगर आपकी इजाजत हो? बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक पे जा रही हूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे। ओहो सबा फैसल कैसे अभी तक चमकती हैं और इंशाल्लाह अल्लाह करे चमकती रहे सदा, क्यों बहुत प्यारी खातून है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आपके मतलब का शो है। अगर एक मिनट भी ज़ाया किया ना फिर मुझे नहीं कहना खबर नहीं हुई। इतना मज़े का शो है आज, आपकी पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ के जो जो भी रेमेडीज़ उन्होंने आपको बताई हैं उसके ऊपर एक्सपर्ट्स का ठप्पा लग जाए तो और क्या चाहिए। क्यों ये लगती है चीज़, कभी कभार आपको पता भी नहीं होता, हाई वो लगाती है तो चलो हम भी लगा लें। सो इसलिए जो है हम चाह रहे हैं यहाँ कि आपको बताएँ कि क्या लॉजिक है किस चीज़ को अपने फेस पर अप्लाई करने की और क्या ये चीज़ें आपके लिए बनी हैं। आइए चलते हैं नानीस की तरफ, हम बात करते हैं सबा फैसल की। सबा फैसल के बाल हो, स्किन हो, और माशाल्लाह अब तो आप ये देखिए कि उन्होंने अपना वज़न कितना कम किया। बिल्कुल। सो वो हमेशा वो बताती रहती हैं, अपने फैंस की हेल्प करती रहती हैं, ना सिर्फ इंटरव्यूज़ के ज़रिए बल्कि अपने इंस्टाग्राम पर भी वो इतनी सारी चीज़ें शेयर करती हैं अपनी फ़ैन्स के लिए। सो आइए
उनकी कौन सी रेमेडी हिना जो है वो बता रही। अच्छा सबा फैसल की एक बात बहुत अच्छी है, वही बात हमने जो सब डिस्कस करें कि पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है, बहुत डाउन टू अर्थ है, जिससे मिलती है बहुत प्यार से मिलती है, चाहे पहली दफा मिल रही हूँ। दूसरी बात कि अब उनकी खूबसूरती और खिल के सामने आ रही है, आप सब अग्री करेंगे उन्होंने अपना वेट भी कम किया है। वेट कम करने से स्किन और अच्छी हो जाती है, साफ सुथरा खाना। अगर आपने क्रैश डाइट्स नहीं की, शॉर्टकट्स नहीं लगाए, कोई भी ऐसी जो क्रैश डाइट के साथ दिन में 10 किलो वजन और ये सब नहीं होता, उन्होंने एक नेचुरल अप्रोच के साथ एक हेल्दी वे में अपना वजन कम किया, उसकी इनकी स्किन पे नजर आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा क्योंकि सबा फैसल की स्किन थिक है और उनके ओपन पोर्स हैं, ठीक है, थोड़े से उनके ओपन पोर्स, तो वो उसकी क्लेंजिंग के लिए जो उन्होंने रेमेडी बताई है वो उन्होंने खुद के लिए बताई है। दूसरा ये कि थोड़ा सा एजिंग आ रही है तो वो एंटी एजिंग है ये रेमेडी जो इन्होंने मुझे बताई है। तो मैं बताऊँ दो चीज़ें, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, एक है कीनू के छिलके का पाउडर जो कि फ्रेश कीनू के छिलके होते हैं, आप उस वक्त भी उसको ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो कीनू का मौसम खत्म हो गया है, तो वो आराम से आपको पूरा साल आप मिल स्टोर करके रख सकते हैं, पंसारी के पास से मिल जाएगा, आप घर में भी बना सकते हैं, ज्यादा अच्छे साफ सुथरे बनते हैं, पूरा साल आप स्टोर करके जार में भर के रख दें, वो चलता रहता है। मैंने सुना है बॉडी स्क्रब भी बड़ा अच्छा बनता है, आपकी बॉडी ग्लो करती है, टाइट रहती है, विटामिन सी है इसमें और नेचुरल विटामिन सी है, आप सोचे के जैसे अभी फरा ने बताया ऑयल्स, इसके एसेंशियल ऑयल्स बनते हैं, बहुत फायदेमंद है कीनू खाना लगाना, कीनू के छिलके से लेके ऊपर व्हाइट वाला फाइबर और इसके साथ जो नीचे इसका गूदा, ये सब फायदेमंद है, पूरा इटसेल्फ कीनू फायदेमंद है, ठीक है ना। इसके साथ ये लेती हैं अंडों के छिलकों का पाउडर, अंडों के छिलकों का पाउडर एक्सफोलिएटर है, बेस्ट एक्सफोलिएटर है, ये जो प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कॉलेजिन भी होता है, ये जो बड़े बड़े स्क्रब बाजार में मिलते हैं ना, वो बड़े बड़े स्क्रब, महंगे महंगे स्क्रब मिलते हैं, उसमें ये डला हुआ होता है अंडों के छिलकों का पाउडर, बहुत ही फाइन पिसा हुआ, ये नहीं कि मोटा मोटा पिसा हुआ, एक बिल्कुल फाइन पीस लें, उनको पहले अंडे निकाल लें उसमें से पूरा, थोड़ा सा ड्राई होने दें फैन के नीचे एक आध दिन, फिर उसको बिल्कुल फाइन पीस लें, जो मिक्सी होती है उसमें मसाले पीस लें और फिर उसको छाने भी, ये नहीं कि मोटे मोटे ग्रेन्यूल्स रह जाएं और वो आपके स्किन को ख़राब कर दें, तो बिल्कुल ऐसे फाइन पाउडर हो जाएगा, वो कुछ नहीं करती हैं, एक एक टीस्पून दोनों को लेती हैं, जैसे ये लिया और इसमें एक ही टीस्पून अंडों के छिलकों का पाउडर लिया और इसका पेस्ट बना लिया और ये अपने चेहरे पे लगा के एज अ स्किन एक्सफोलिएटर स्क्रब की तरह मेकअप रिमूव करने के बाद रोज़ रात को लगाती हैं। इससे क्या होता है कि सबा फैसल की स्किन में सेल टर्न ओवर शुरू हो जाता है, सारा दिन मेकअप की वजह से जो स्किन ख़राब हो रही होती है, पिगमेंटेशन हो रही होती है, ड्राई हो रही होती है, रफ़ हो रही होती है, इसके इस्तेमाल से बिल्कुल स्मूद हो जाएगी। अच्छा, अब सबा फैसल की स्किन पे अंडे के छिलके का पाउडर सूट करता है, जिन लोगों को अंडे के छिलके के पाउडर से फिर भी ज़्यादा रैशेज हो रहे हैं, कुछ की बिल्कुल बिल्कुल पतली इतनी थिन स्किन होती है कि वेन्स नज़र आ रही होती हैं और वो नेचुरली होती हैं, उनके फैमिली में होती हैं, वो लोग क्या करेंगे, अंडे के छिलके के पाउडर की जगह यूज़ करेंगे अंडे की सफ़ेदी, अंडे की सफ़ेदी और नींबू का छिलका, इन दोनों को मिलाएंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो ये बन जाएगा एक और अच्छा सा पेस्ट, जैसे आपको मैं भी बना के दिखा देती हूँ, बल्कि ये छिलका बहुत ज़्यादा, ये एक सफ़ेदी ले ली मैंने और हाफ टी स्पून मैंने छिलका ले लिया इसमें, अब ये देखें ये बन गया, इसमें पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग ये लगाएंगे जिनको अंडे के छिलके का पाउडर स्किन पे ख़ारिश कर देता है, निशान बना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप लोग भी अग्री करेंगे कि जो कोई स्क्रबिंग भी करते हैं उनके चेहरे पे निशान, फॉर्मूला क्रीम लगाने के बाद कुछ की जेनेटिकली भी स्किन थिन होती है, वो ये लगाएंगे, बेस्ट एंटी एजिंग भी है और बेस्ट आपके पोर्स को भी क्लीन कर देगा, तो ये बेहतरीन है, सिर्फ आपने छिलके को अंडे की सफेदी से सब्स्टिट्यूट कर दिया और दैट्स इट। जबरदस्त जबरदस्त हुई भाई, भाई बहुत अच्छी, सिंपल कितना है, आप ये देखिए कि आपने कीनू के छिलके पूरा साल अपने पास स्टोर करके रख लिया, अंडे की एक सफेदी ली, दोनों को मिक्स किया, फेस वॉश केस को लगा लिया, 15 मिनट के बाद फेस वॉश कर दिया, जबरदस्त इसके, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ भाई, अब हम किसकी, ओहो ये जो अमर खान है ना, ये एक चलता फिरता, इसको जो है ना ये वायरलेस है, इसको सेल्स की ज़रूरत ही, जो एनर्जी इसके अंदर है बहुत ज़्यादा, वो एनर्जी आँखों में है, कुदरती अल्लाह की तरफ से, जीन्स में बाल अच्छे हैं, और अपने आप को कैसे लेके चलना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, इससे बेहतर और कोई नहीं जानता, कपड़े क्या पहनने, किस जगह की मुनासबत से क्या, सो ये ओवरऑल पर्सनालिटी इसकी बड़ी मैजिकल है, माशाल्लाह। बातें देखें कितनी ज़बरदस्त हैं, अब बातें तो हम आपको नहीं सिखा सकते लेकिन ब्यूटी
ब्यूटी क्या है, क्या बताएंगी आप? अच्छा, उनका जो अमर को रखते हुए ज़हन में देखें, उन्होंने जो फेस पैक बताया है ना, जिसमें उन्होंने चावल का आटा और टमाटर और पानी का इस्तेमाल किया है, तो अब ये किन लोगों के लिए अच्छा है और कौन लोग नहीं कर सकते, उनकी स्किन पे सूट करता होगा। ये बेस्ट रेमेडी है जिनकी स्किन ऑयली होती है। हाँ। अगर ऑयल कंट्रोल करना है तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। हाँ। ठीक है, चावल का आटा याद रखिएगा, आटा होना चाहिए, वो उसमें कोई स्क्रब वाला वो नहीं होना चाहिए एलिमेंट। जैसे जिन लोगों की बहुत एक्सट्रीम ऑयली स्किन है, धूप से आके उनका रंग टैन हो जाता है, बिल्कुल उनके लिए आफ्टर सन भी अच्छा। यानी कि धूप से आने के बाद भी जो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने चावल का आटा लिया और टमाटर का रस ले लिया, रस ताज़ा, क्योंकि टमाटर का जो छिलका है ना वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो कभी भी मतलब ग्राइंड करके भी बहुत ज़्यादा छान के लिए, अदरवाइज एक कट रश, ठीक है। तो इसका मैंने गूदा ले लिया और जो इसके अंदर पानी होता है, आजकल तो बड़े जूसी टमाटर आ रहे हैं, इसको मिक्स कर लिया। अच्छा, अब आप जो इनके फ़ायदे उठाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन को नुकसान ना हो, तो आप इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो मैं हर स्किन के लिए बता देती हूँ। अब अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, लेकिन वो भी चाहती कि ग्लो आए, शाइन आए, पिगमेंटेशन हटे, तो आप इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स कर दें, नारियल का तेल, ठीक है, एक चम्मच आप इसमें नारियल का तेल मिक्स कर देंगे, तो ये क्या होगा कि जो इसका मतलब कि आपको लगेगा ना कि चावल के आटे से आपकी स्किन ड्राई होगी, वो नहीं होगी, नारियल का तेल इसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है, सेंसिटिविटी को कम करेगा, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें पिंच, सिर्फ पिंच, एक चुटकी आप इसमें हल्दी मिला सकते हैं, ठीक है, मज़ीद अच्छा हो जाएगा, और एलोवेरा जेल, तो आपका एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा नॉर्मल टू ड्राई स्किन। अब हर स्किन इस पैक को, अमर खान के पैक को इस्तेमाल कर सकता है ग्लोई शाइनी लुक देने के लिए। इसमें आप एलोवेरा जेल मिला लें, टमाटर का रस, चावल का आटा एंड एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल तीनों को मिलाकर, और कब लगाना है, कहाँ लगाना है, पिंच हल्दी और जो है नारियल का तेल। अच्छा, नारियल का तेल, यानी ये पांच चीजें हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम पूछते हैं आपसे ये कि क्या टाइमिंग होनी चाहिए लगाने की, कब लगाएं? अच्छा देखिए, कभी भी आप विटामिन सी वाली चीज़ें इस्तेमाल करें ना, सिट्रस चीज़ें, वो कभी भी लगाकर आप चूल्हे के पास नहीं जाएं, आप धूप में नहीं जाएं, तो इसका बेस्ट टाइम है बिफोर गोइंग टू बेड। ओके, रात सोने से पहले अच्छी तरीके अपने चेहरे को क्लिंस करें, क्लिंस करने के बाद आपने ये जो है इसको मिक्स करके जैसे आप इस तरह करके लगाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हल्का सा मसाज करें। अच्छा, लगा के कितनी देर तक छोड़ना है? 10 से 15 मिनट। 10 से 15, ऐसे नहीं कि लगा के सो जाए, नहीं, हाँ। 10 से 15 मिनट आप इसको लगाएंगे, लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको धोएंगे कैसे, ठंडे पानी से, ठीक है, ठंडे पानी से धोएंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन फिर भी धोने के बाद आपको लगे ना आपकी स्किन खिंच रही है, तो आपने वही जो आपने ठंडा पानी से वॉश किया है आपकी स्किन पे थोड़े से जैसे पानी है, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, वही आप जो है आपने कोकोनट ऑयल जो है वो एक एक कतरा लगाया, अच्छी तरीके से इसको जज्ब किया और सो गए। यकीन करें, सुबह उठेंगे तो आपके चेहरे का निखार जो है ना, आपके घर वाले ही बताएंगे कि कितना निखार आ गया है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जबरदस्त, ठीक है जी, हो गई अमर खान की खूबसूरत स्किन का राज, और अगर आप चाहते हैं जैसी स्किन पाना तो यही मास्क रात को सोते हुए इस्तेमाल करें। अच्छा एक चीज़, हाँ। इसको बना के आधे से एक घंटे के लिए रख दें ताकि चावल का आटा मर्ज हो जाए सब चीज़ों के साथ, उसके न्यूट्रन निकल कर आ जाए, बना के फौरन नहीं लगा। जबरदस्त, सही है जी। अब हम आते हैं डॉक्टर उमेराइल की तरफ, और इनके पास, इनके जो पीछे है वो नादिया खान है, जो कि अपनी मज़ेदार कंपनी, मज़ेदार चटपटी बातों के थ्रू मशहूर है। ये पहले अपना इतना ख्याल नहीं रखती, बिल्कुल ऐसे, लेकिन मुझे लगता है वक्त के साथ साथ नादिया ने अपना, वैसे ही नादिया की ना बनी बनाई क्यूट शक्ल है, अल्लाह की तरफ से नहीं होती कि वो आंखों में चमक और वो उसकी बातों की वजह से क्यूटनेस है, लेकिन अब वो अपना ख्याल रखती है, और आप देखेंगे कि
नादिया की स्किन अब मुझे पहले से भी ज्यादा अच्छी लगती है, उसने अपना वजन मेंटेन करके रखा हुआ है, हर चीज बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, और बालों का बड़ा ख्याल रखती है, अपना मेकअप वेकअप भी बड़ा अच्छा करती है, प्रोडक्ट्स मेकअप की बड़ी अच्छी यूज करती है, ये मैंने देखा, जिससे स्किन को नुकसान ना पहुंचे, सीरम्स वगैरह बड़े अच्छे यूज करती है। सो आपने कौन सी नादिया की रेमेडी देखी जिसको आप एक्सप्लेन करें? माशाल्लाह जो भी चीज इस्तेमाल करती है बड़ी रिसर्च के बाद करती है। हाँ, उसकी रिसर्च तो बड़ी फिनिकी है इस चीज में, बहुत ज्यादा रिसर्च, ईच एंड एवरीथिंग पहले सारा बता देती है, हर इसके अगर हम कुछ बता रहे हो तो ना उससे पहले उसका सारे फायदे सब कुछ बता देती है, पता बहुत, और वो बहुत ज़हीन है भाई। एक दफा पेपर देख लेती, मैं आपको बताती हूँ उसकी मेमोरी के बारे में, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं पीठ पीछे उसकी बात करूंगी, वो एक पेपर देख लेती ना ये, मतलब लाइक खवातीन में नादिया की मेमोरी और मर्दों में शब्बीर जान की मेमोरी, इनके अम्मा अब्बा ने इनको बहुत बादाम खिलाए सीरियसली। और नादिया अपने ऊपर खास, मतलब हर चीज़ के ऊपर मेहनत बहुत करती है। हाँ। अच्छा, इनकी जो रेमेडी बड़ी सिंपल सी है, लेकिन वो नादिया की बताई हुई तो सोचे कितने ऑथेंटिक होगी। हाँ, हाँ। नादिया कोई भी चीज़ ऐसे उठा के नहीं लगा लेती, नहीं भाई वो कभी भी नहीं करेगी, बहुत ज्यादा सोच समझ के उन्होंने ब्लैक हेड्स के लिए बताया है कि जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं नॉर्मली ऑयली स्किन पे हो जाते हैं, पोर्स खुलते हैं तब हो जाते हैं, तो उसके ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए उन्होंने बताया कि जो अनफ्लेवर्ड जेलेटिन पाउडर है वो इस्तेमाल करती है। क्या इस्तेमाल? जेलेटिन पाउडर, जेलेटिन पाउडर, ठीक है, जिससे हम जेली बनाते हैं। अच्छा अच्छा, ये अनफ्लेवर्ड है, मतलब नॉन फ्लेवर्ड है। अच्छा, इसमें कोई फ्लेवर नहीं, फ्लेवर नहीं, प्लेन मिल जाता है, कोई फ्रेग्रेंस कुछ भी नहीं, ना कोई कलर है। इसके साथ ये इस्तेमाल करती है चारकोल पाउडर, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को प्योरीफाई करता है, और ये कोयला वो नहीं है जो आप बारबेक्यू में इस्तेमाल करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल होता है, यस, तो उसका पाउडर। और इस पे इन्होंने जो तीसरी चीज इस्तेमाल की है वो है कोई व्हाइट ग्लू। अच्छा अच्छा, एक्चुअली जो भी पेस्ट बनाएंगे ब्लैक हेड्स के लिए होगा, उसको चिपकाना है ताकि आपका ब्लैक हेड निकल जाए, उसके ऊपर चिपक के स्ट्रिप्स आती हैं, तो ये वाइट ग्लू यूज़ कर रही है स्ट्रिप बनाने के लिए। अच्छा, इनका जो तरीका है कि इन्होंने पानी, वो जेलेटिन पाउडर लिया है, उसमें चारकोल पाउडर ऐड किया है, फिर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया है, पेस्ट बना के फिर जेलेटिन, वो सॉरी ग्लू मिला के, और वो लगा लेती हैं पूरे जहाँ जहाँ पे ब्लैक हेड्स है, थोड़ा सा ड्राई होता है उसको उतार लेती है स्ट्रिप की तरह, तो सारे ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी, क्योंकि नादिया जैसी समझ सबके पास नहीं है। अब आपने कोयला कौन सा उठा लिया, आपने ग्लू कौन सी उठा ली, ये दोनों चीज़ें बहुत ट्रिकी हैं। तो जेलेटिन पाउडर आपने लिया जिसे नादिया ने बताया 1 स्पून, जो चारकोल पाउडर है इजीली फार्मेसी से मिल जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल, बारबेक्यू वाला चारकोल नहीं लेना, एक्टिवेटेड चारकोल के कैप्सूल्स भी मिलते हैं, ये आपने डाल दिया तकरीबन 1/2 टीस्पून। अच्छा, यहाँ पे जो है नादिया यूज़ कर रही है वाइट ग्लू, वाइट ग्लू डिफरेंट टाइप की होती है, अगर आपने कोई गलत ग्लू उठा ली। अच्छा, वाइट ग्लू कौन सी होती है? देखिए वाइट ग्लू, देखिए जिससे हम चिपकाते हैं, देखिए ग्लू चिपक जाती है, पेपर्स है, स्टिकर्स है, चीज़ें चिपका रहे हैं, शीट चिपका रहे हैं, अच्छी कंपनी की, लेकिन वही वाली बात है कि नादिया की तरह कोई सेलेक्ट नहीं कर सकता, चेक नहीं कर सकता, जो देखने वाले वो जाएंगे वाइट ग्लू लेंगे लगा लेंगे। तो मैं वाइट ग्लू को यहाँ से निकाल रही हूँ, इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला, गर्म पानी, जैसे नादिया ने इसका पेस्ट बनाया गर्म पानी के साथ, ताकि जेलेटिन जो है वो घुल जाएगा तो उसका अपना लेस पैदा हो जाएगा। और ग्लू की जगह मैं यूज़ कर रही हूँ एग वाइट। अरे मतलब लाइक सेफ है ना, yes, आप पता नहीं कौन सी कंपनी के ग्लू लगा लें कि कुछ और ही हो जाए, इसलिए इससे बेहतर है जी, ये वो तो रेमेडी ऐसी थी, नादिया की रेमेडी में कोई फॉल्ट गलती नहीं है, सिर्फ आपको सेफ साइड बता रहे हैं, क्योंकि वो बड़े कॉन्शियस होकर चीजें खरीदती है, वो बहुत रिसर्च करती है, बहुत सारी चीजों की मालूमात है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, हो सकता है आपके गाँव में आपके इलाके में अच्छी ग्लू ना मिल रही, एग्जैक्टली, तो आप कोई या कोई ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू और वो आपके स्किन पर ब्लैक हेड के साथ स्किन भी निकल रहा है, तो उसकी जगह सेफ साइड जो है हमने वही रेमेडी ली है जिसमें जेलेटिन पाउडर, आपका एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर, थोड़ा सा गर्म पानी मिलाया, मिक्स किया, जब चारकोल आपका जेलेटिन मिक्स हो गया तो हमने एग वाइट मिला ली, इसको अच्छी तरह से आपने बीट कर लिया, ये आपका बन गई है वैक्स स्ट्रिप। इसको थोड़ी देर में बना लिया, वैक्स स्ट्रिप ये नादिया ने सिखाया ना कितना अच्छा, और इसको आपने जो है ये वैक्स नहीं, बेसिकली ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड रिमूवल स्ट्रिप है, यस, ब्लैक हेड रिमूवल, किसे हम लगाते हैं उसको ऐसी एक लेयर लगानी है मोटी, अक्सर नाक पे हो जाती है, और खास तौर पे मर्द तो कभी जाएंगे नहीं सैलून, आप लोग लगाएं अपने हस्बैंड्स की नाकों पर,
और बदले लें। अच्छा, इसके दो तरीके होते हैं। अगर हम एग वाइट के साथ लगा रहे हैं, इसको आप लगा दें, जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो चिपक जाएगा, क्योंकि जेलेटिन भी एग वाइट भी, तो उसको आप पकड़ के किनारे से जैसे आपने इसको करके उतार देंगे। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सही से चिपक रहा आपको लग रहा है, तो आपने बस सिंपल लगाना है, 10 मिनट के लिए छोड़ा, उसको हल्का हल्का यूँ रगड़ दिया तो सारा ब्लैक हेड इस पर चिपक के बाहर आ जाए। आप नोज पे, चिन पे, अपना चीक्स के ऊपर, जहाँ जहाँ पे ब्लैक हेड्स हैं, कुछ लोगों के, कुछ मर्द हजरात के पूरे फेस पे होते हैं, तो उसको एज अ मास्क लगा लें, और जब चिपक जाए तो आप उतार सकते हैं। अगर उतारना मुश्किल लगा तो सिंपल आपने दोबारा हाथ गीला किया और इसको इस तरह से सर्कुलर मोशन में राउंड राउंड, ताकि जहाँ जहाँ पे आपका ब्लैक हेड है तो वो सारा ब्लैक हेड बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको वॉश करना है ठंडे पानी से, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आप इसको लगा के करके आपने ठंडे पानी से वॉश किया, बिल्कुल सादे पानी से, और जो बर्फ़ वाला पानी होता है वो इसके ऊपर डाल दिया। इससे कि हो सकता है आपके घर में कोई टोनर ना हो, कोई टॉनिक ना, तो यख चिल वाटर इसके ऊपर ऐसा भी कर सकते हैं, बर्फ़ को किसी चीज़ में रख के आप अपने आप स्पोर्ट्स पे, इस तरह वो फ्रीज जो बर्फ़ होती है, या फ्रीज तौलिया या कोई ऐसी चीज़ वो करें। बिल्कुल, आप टॉवल लेके छोटे वाला, आपने उसको पानी में डिप करके आपको फ्रीजर में रख दिया, जब आपने इसको साफ किया तो वो टॉवल रख लिया तो आपका एक आइस पैक बन गया पूरा, आपके जो पोर्स खुल गए हैं वो दोबारा बंद हो जाएंगे, तो नया ब्लैक हेड नहीं बनेगा। तो ये जब आप रिमूव करेंगे तो आपने आइस पैक ज़रूर लगाना, मतलब तौलिया रख लें या आइसिंग कर लें या चिल पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए मुंह डाल लें सेकंड्स के लिए, तो वो पोर्स जब क्लोज हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे, तो नए ब्लैक हेड्स बनने में बहुत टाइम लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड जी। आए मेरी जानू बुशरा अंसारी, बुशरा बशीर जी। सो ये भाई कमाल, ये है, ब्रेक पे जा रहे हैं हम, तो बुशरा आपा की जो रेमेडी है वो आप तक हम पहुंचाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपके मनपसंद सेलिब्रिटीज की रेमेडीज हमारे और आपके मनपसंद एक्सपर्ट्स आप तक ठप्पा लगा के पहुंचा रहे हैं। अभी मैं बात कर रही थी बुशरा बशीर, बुशरा अंसारी, हमारी सबकी फेवरेट, हंसी मजाक, हर वक्त खुश रहना, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो लेकिन आपके सामने एनर्जी के साथ नज़र आना, ये एक तो सबसे बड़ा राज है उनकी जवानी का, कि वो जिस तरह से एक्टिव हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा नीट क्लीन खाती पीती हैं, ओवर ईटिंग नहीं करती, खाने को देख के वो वाइड ही नहीं हो जाती, मतलब पागल ही हो जाती, और साथ कम खाने के साथ सुथरा खाती हैं। सो ये सब राज है, जिंदगी में कभी उनको मैंने मोटा नहीं देखा, बिल्कुल बिल्कुल कभी नहीं देखा मैंने मोटा, हमेशा से मेंटेन रही हैं, और हर तरह के कपड़े उन पे जचते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, डिसेंट कपड़े पहनती हैं, वेस्टर्न पहने, ईस्टर्न पहने, बहुत अच्छे लगते हैं, रेड भी पहने हैं, ऑरेंज, पिंक, शिमरी, कुछ भी पहने वो कैरी कर लेते हैं, वो बहुत प्यारी लगती हैं उन पे, मतलब लाइक उठती है हर चीज। सही, सो इनकी जवानी का राज बता रही हैं, क्या बता रही हैं? बालों का बता रही हूँ, बालों का है तो बड़ी हसीन, ख्याल भी बहुत रखती हैं। अच्छा, बालों के मामले में कभी कभार वो कहती हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ, ड्राई हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, क्योंकि ब्लो ड्राई हो रहा होता है और फिर कर्ल्स हो रहे होते हैं या आयरन हो रहा होता है, तो फिर ये बड़ी परेशान हो जाती है और टाइम नहीं मिलता, काम इतना करती है, तो कहती मैंने तो एक भाई मैंने एक ऑयल बना के रख दिया अपने लिए, वही ऑयल लगाती हूँ, उससे मेरे बाल जो हेयर फॉल भी मेरा रुक जाता है, मेरे बाल भी अच्छे हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई शेयर करें मेरे साथ, तो उन्होंने शेयर किया, तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी रेमेडी, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, सरसों का ऑयल, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सरसों का ऑयल इस्तेमाल करती है, वो हर हेयर टाइप पर सूट करता है। अच्छा, आपको डेंड्रफ भी नहीं करता वो, तो आप किसी किसी पे जो नारियल का ऑयल होता है वो सूट तो करता है, बट बहुत सारे लोगों पे वो डेंड्रफ भी कर देता है। तो सरसों का ऑयल हर मौसम में आप इसको लगा सकते हो, ये जमता भी नहीं है। अच्छा, प्याज ले लिया, ये हाफ प्याज छिलके के समेत, ये प्याज ले लिया, इसमें एक कप भर के मैंने सरसों का ऑयल इसके अंदर डाल दिया है, और 2 से 3 अदद मैंने लौंग, ये बुशरा आपा का ये वाला सारा ये टोटका है, रेमेडी है, और इसके साथ कलौंजी, अच्छा, हाफ टी स्पून, और चंद पत्ते कड़ी पत्ते के, कड़ी पत्ते, कितने कितना ये पावरफुल ये ऑयल बनने वाला है, बहुत ही पावरफुल ऑयल है। अच्छा, आप क्या करेंगे इसको, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, चूल्हा बंद कर दें और इसको पूरा एक दिन आपने इसको रख देना, ऐसे ही धूप में रख दें, ठीक है, धूप में रख दें, उसके बाद आप छान लें और ये ऑयल आप इस्तेमाल करें, ये ऑयल आपका खराब भी नहीं होगा, आपने हफ्ते में सिर्फ 2 दफा यूज करना है। देखिए, ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल भी हेयर ऑयल, हेयर फॉल जो है वो आपको कटता है,
और क्या होता है कि आपके डंडर भी पैदा करता है क्योंकि फिर डस्ट वगैरह लगती है, ऑयल जमा हुआ है तो डस्ट भी लगेगी, फिर आप काम भी कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, तो फिर आपका बाल ज़्यादा टूटना शुरू हो जाता है। ऑयल लगाने का जो वो होता है ना ड्यूरेशन, टाइम पीरियड जो होता है, वो आपका सिर्फ 2 घंटे लगाएं, आप पूरी पूरी रात ना लगा लें इसको। सर्दी है तो पूरी रात लगा लें, गर्मियों में तो आप सिर्फ 2 घंटे ही लगाएं। आपने इसको मसाज कर लेना है, उसके बाद आप जिस तरह से वॉश करते हैं तो वॉश कर लें। अगर चाहते हैं कि बुशरा आपका चलो हेयर फॉल तो ये बड़ा अच्छा ये रेमेडी थी, तो हमारे बाल जो है वो शाइनिंग भी आ जाए बालों में, तो ऐसा क्या करें? तो आप क्या करें, ये ऑयल तो आपने बना के रख दिया, जब आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऑयल आपने निकाला और दही 1 टीस्पून दही डाल दें इसके अंदर, थोड़े से ऑयल में दही डाल के उसका अच्छा सा मसाज कर लें, 2 घंटे के बाद वॉश कर लें, हेयर फॉल तो रुकेगा रुकेगा, बालों में शाइन भी आपके आ जाएगा। तो ये चीज बस ऐड कर दें आप, बहुत फिर देखें कितने जबरदस्त बाल, बड़ी जबरदस्त जी। अच्छा, इससे पहले कि मैं चलूं है ना आपकी तरफ, हम पांचों बल्कि और भी जो भी एक्सपर्ट्स हमारे शो पे आते हैं, हमारी जो है ना हमसे पूछे बगैर जिन प्रोडक्ट्स के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिनको हमने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं है, कभी थूका भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हमारी पिक्चर्स, हमारी बातें शो से उठा के आप देखिए, हमारे कोई भी ब्रांडिंग ना हम अपने शो पे नहीं कर सकते या सेट पे नहीं कर सकते, इजाजत ही नहीं है। बिल्कुल यार, भाई कहते हैं नहीं भाई आप अपना प्राइवेट काम है अलग करें। बिल्कुल, सो हमारे सेट से उठाकर कोई भी ए बी सी डी प्रोडक्ट, अगर हम कोई टोटका बता रहे हैं किसी और के बारे में, सबकी बात करी हूं, सबको रख लगे उसको एडिट करके किसी भी प्रोडक्ट, कोई तेल, कोई गंदी गंदी चीजें, कोई अलग अलग प्रोडक्ट, हमारा नाम जोड़ा जा रहा है, प्लीज पर्सनल हमारे इंस्टा पे आके हमसे पूछ ले आप, अगर आपको आपको उनको पर यकीन करने की जरूरत नहीं। अगर हमने कोई प्रोडक्ट हाथ में पकड़ी हुई है, सही है ना, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट मैं जिसका शाउट आउट देती हूँ, जो मैं यूज करती हूँ, मैं हाथ पे पकड़ती हूँ या मैं इसको निकाल के लगा रही होती हूँ, तो प्लीज थोड़ा अकल, आपके पैसे प्रेशियस हैं, इस तरह जाया नहीं करें, स्कैम्स में नहीं। ये कोई बड़े जबरदस्त कोई एडिटर्स आ गए हैं जो यहाँ से क्लिप निकालते हैं प्रोडक्ट, और ऐसा लगता है हम उनकी तरह जैसे लेट सपोज मैंने ये प्रोडक्ट डन कर ली ना, मैं कहूंगी ये बेहतरीन नाइट क्रीम है, रोज लगाएंगे 7 दिन में ये हो जाएगा। अब वो ये क्लिप उठाया, हाथ से उठाया और नीचे पूरी लगा दी और हाथ, तो जो मैंने बोला है ना वो सेंटेंस सेम डबिंग नहीं, मैंने अगर कह रहे हैं कि ये नाइट क्रीम की जरूरत नहीं है, वो अपने वो चला लेते हैं, ये नाइट क्रीम है, ये 7 दिनों में एंटी एजिंग है, ये आपको कलर को साफ कर देगी, ये बेस्ट। अब यहाँ से प्याला पकड़ा हुआ है मैंने और नीचे वो यही नाइट क्रीम उनकी हो गई, इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ तो ये कि देखिए आप अपनी सेहत के साथ ना खेले, बिल्कुल तेल वगैरह तो बेचते हैं, साथ में अद्वियात भी मेरे नाम से, बिल्कुल, और ये पेज बना है, मैं बोल रही हूँ। आप सोचिए कि वो प्रोडक्ट्स जो मालिकान है वो इतने धोखेबाज हैं कि वो यहाँ धोखे दे रहे हैं, तो पता नहीं उन्होंने प्रोडक्ट क्या बनाई होगी, कचरा होगी कोई, बिल्कुल ऐसे आप लगाएंगे आपकी स्किन खराब। हमारे जो लोग हैं वो मासूम है बेचारे, मासूम ही है ना हमारे, अपनी बहन बताए, मेरी अपनी सगी बहन ने प्रोडक्ट खरीद ली, तो जब मैंने फ्रॉड का लगाया अपने इंस्टा पे के फ्रॉड हमारा इनसे कोई लेना नहीं, तो मेरी बहन का मैसेज आ गया, हाय अल्लाह से ना निदा बताया क्यों नहीं, मैंने क्या नहीं बताया, तेरी ये तो मैंने खरीद लिया तेल, मैं तो तुम्हारा दिमाग खराब है, उनके मुंह पे वापस करो, उनके मुंह पे मारो। लगाने की बात है, जैसे बिल्किस ने भी कहा कि इनके नाम से या मेरे नाम से भी खाने की आंख आई ड्रॉप्स तक, आई ड्रॉप तक ही लोग डाल रहे हैं, कितना रिस्की है, वेट लॉस, मतलब मैं कभी वेट लॉस की टैबलेट आ रही है रिलेटेड बहुत सारी चीजें, तेल वगैरह तो लेने वाले और बिल्कुल लेना चाहिए, हम कंप्लेन करें, हम सब मिलकर, बिल्कुल, क्योंकि निदा मुझसे भी एक सवाल बार बार पूछा जाता है, मैं सबको कहती हूँ कि मेरा कोई ऑयल नहीं है, कोई स्किन केयर नहीं है, मेरे तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, तो अब आप क्यों मुझसे, कल भी सवाल हुआ, ये सीरियसली हम सब मिले हैं आज यहाँ, तो हमने प्लान किया है हम इतना सिवियर एक्शन लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अभी आपने देख लिया अलग अलग लोगों को हथकड़ियाँ जिस तरह की हरकतें करे नजर आ रही हैं, हम बहुत सिवियर एक्शन लेंगे, बजाय आपकी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी जो आप हमारी चीजों से कर रहे हैं, नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी, बिल्कुल सोच बिजनेस बंद करना पड़ेगा, बहुत ही बुरी बुरी चीज है, बहुत गलत बात है, अद्वियात बात है, वेट लॉस की पता नहीं क्या क्या डाल के, स्टीरियोइड जो चीजें, पेन किलर्स की, मेल हॉर्मोन्स तक की दवाइयां, हम ये वेट ही कर रहे थे, जब तक हम उस प्रोडक्ट का नाम ना ले, जब तक उस प्रोडक्ट को हमने हाथ में पकड़ा हुआ ना, आपने बिलीव नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, सीरियसली, ठीक है।
चले भाई अब अपना प्रोग्राम करें, बहुत जले कोड़े हुए थे हम। हाँ, अब हम आगे शगुफ्ता जी की तरफ। अच्छा, क्योंकि ये सब मेरी सहेलियां भी हैं तो मैं इनके बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। शगुफ्ता की स्किन हमेशा से बहुत अच्छी है, प्यारी है। उसकी रीजन एक तो ज़ाहिर है जीन्स में भी मिलता है, ठीक है, लेकिन ये खजूरें खाती थी हमेशा से, इन्होंने सिवियर डाइटिंग कभी नहीं की। मैंने इनके साथ सीरियल्स में काम किया, मेरे अब्बू के साथ इन्होंने एक्टिंग की है, अब्बू की डायरेक्शन में, मेरे मियाँ की डायरेक्शन में, हम मतलब लाइक हमारी फैमिली टर्म्स। मैंने नोट किया जब हम कश्मीर ट्रैवल करके गए थे, थके हारे गए और हम जाके बिस्तर पर पड़ गए, लेकिन शगुफ्ता ने क्या किया, अपनी क्रीम्स, अपनी ऑयल्स, हेयर की, पैरों की, हाथों की, वो निकाली छोटी छोटी बॉटल्स की ट्रैवल, वो निकाल के सब लगाई। मतलब ये पंडी अपना ख्याल रखती हैं हमेशा, बिल्कुल लगता है बचपन से करती हैं जी, क्योंकि फ्लाई करती रही हैं, ग्रूम्ड हैं, चीज़ें वो सब उनको पता है क्या लगानी है। सो इन्होंने अपना खाने पीने की शौकीन है, हेल्दी खाती हैं, और कोई नहीं होता मैं नहीं खा रही, वो नहीं खा रही, हेल्दी चीज़ें खाती हैं और अपना ख्याल रखती हैं। देखिए हमेशा खुश रहती हैं माशाल्लाह, जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए, परेशानियाँ देखिए, लेकिन शी इज़ हैप्पी, बिल्कुल बिल्कुल, एंड ऑलवेज ग्लोइंग। आप अगर मेकअप के बगैर भी उन्हें देखेंगे अपने व्लॉग्स में, मेकअप के बगैर शुरू से हमने कभी इनकी स्किन को मैंने देखा ही नहीं डलता हुआ, हमेशा ग्लोइंग। ड्राइविंग कर रही हैं, अपने काम कर रही हैं, सलोन रन कर रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं, एक्टिव लाइफ स्टाइल माशाल्लाह से। वो नहीं होती कि भाई मेरी पतली कमर करीना कपूर जैसी हो जाए, कॉन्फिडेंट है ना। देखिए वो जो स्क्रीन कुछ लोगों पे ना थोड़ा सा चबीपन सूट कर रहा है, इन पे करता है, इन पे कर रहा है, इन पे वाकई कर रहा है। और ये अगर हेल्दी खा रही हैं और फिर भी अगर वेट ज्यादा है तो भी कोई मसला नहीं है। देखिए जीरो साइज होने का मतलब नहीं है कि आप हेल्दी हैं। खाने का दिल चाहता था, ये खजूरें खा लेती, हर वक्त मैंने इनको देखा है कि खजूरें खा लेती, उससे एनर्जी भी रहती है और स्किन जबरदस्त किस्म। ईटिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, आपका बॉडी शेप कोई भी हो, हाँ ये जरूर होना चाहिए। अच्छा, और ये ख्याल हमेशा से करती हूँ, तो इन्होंने क्या रेमेडी बताई थी? बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि मैं तीन चीज़ें हैं, तीन इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी रेमेडी में, लेकिन मैं थोड़ा सा अल्टर करूँगी, लेकिन पहले मैं इनकी रेमेडी बताती हूँ। ये कोकोनट ऑयल लेती हैं, जब ये रात को ये रेमेडी रोज़ करती हैं, जब भी ये मेकअप रूम मेकअप रोज़ ही होता है, क्योंकि टी वी पर भी काम करती हैं, सैलॉन भी जाती हैं, ड्राइव भी खुद करती हैं, बच्चों की भी टेक केयर करती हूँ, माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चे हैं और कितने सब सभी खूबसूरत हैं अपनी अम्मा जैसे। ये कोकोनट ऑयल और कॉटन से पहले अपना सारा मेकअप रिमूव करती है। ये कभी भी मेकअप रिमूवर से या कोई भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट से या सिंथेटिक प्रोडक्ट से मेकअप रिमूव नहीं करती, और इस हैबिट को मैं खुद अपने लिए भी हमेशा से यूज़ करती हूँ। मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल से अपना मेकअप रिमूव करती हूँ, मेरी स्किन को सूट करता है। कुछ स्किन को कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता, तो उनके लिए आलमंड ऑयल भी है, ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है। और कुछ स्किन को बिल्कुल भी ऑयल सूट नहीं करता, तो वो थोड़ा सा टी ट्री ऑयल भी आलमंड के साथ खाता। अगर मैं कोई ऑयली प्रोडक्ट से अपना मूड हो तो चाहे वो पिंपल्स निकल आते हैं छोटे छोटे, वाइट पिंपल्स, माइसेलिना वाटर यूज करती हूं, तो माइसेलिना वाटर से भी कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन मेरी स्किन को और शगुफ्ता एचास जैसी स्किन को, जो कि कॉम्बिनेशन होती है, मेरी स्किन एक कॉम्बिनेशन स्किन है, ना पूरी ड्राई है ना पूरी ऑयली है, तो उसके लिए कोकोनट ऑयल बेहतर है, पीएच बैलेंस स्किन का कर देता है मेकअप रिमूव करते करते। कॉटन बॉल से या कोई भी ऐसा जो हमारे पास टिश्यू पेपर होता है उससे आपने ये रिमूव कर लिया अपना मेकअप। अब उसके बाद ये सिर्फ दो चीज़ें लगाती हैं, मेकअप रिमूव करने के बाद ये रोज़ वाटर का स्प्रे लगाती हैं और विच हेजल का एक स्प्रे मिलता है, विच हेजल ऑयल होता है, विच हेजल ऑयल, हाँ वो क्या होता है, वो एक एक ऐसा हर्ब है जिसको जिससे ऑयल ड्राइव कर ले जाता है, और प्रोडक्ट्स में असेंशियल ऑयल है, असेंशियल ऑयल जिस तरह लेवेंडर में से कर लिया जाता है, जिस तरह आलमंड से भी असेंशियल ऑयल। नहीं, ये क्या चीज है, एक फूल है, एक हर्ब है, क्या कहते हैं इसको, विच हेजल, विच हेजल, विच हेजल, ये फूल है, जैसे लेवेंडर फूल है ना वैसे ही विच हेजल भी एक फूल है, इसमें से असेंशियल ऑयल निकलता है। ओके, और ये क्या करता है, ये आपकी स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचाता है, ब्लेमिशेस से, जिनके सेंसिटिव स्किन होती है ना, मेकअप रिमूव करने के बाद अचानक रेड हो रही है, लाइटनिंग से अचानक रेड हो रही है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि हाइड्रेट रखता है आपकी स्किन को, तो गुड एंटी एजिंग है हाइड्रेशन के लिए, कि आपने थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे कर दिया मेकअप रिमूव करने के बाद, या वैसे भी आप फेस वॉश कर रहे हैं तो अगर वो आप एक स्प्रे अपने पास रख लेते हैं और दूर से सिर्फ तीन पफ लगा देते हैं, तो वो आपकी स्किन की हाइड्रेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको
को मिलता नहीं है, उसका ऑल्टरनेटिव है ग्लिसरीन के। आप कुछ एक चम्मच ग्लिसरीन आप है ना थोड़े से पानी में, जो स्प्रे बॉटल होती है ना उसमें आप एक चम्मच ग्लिसरीन एक छोटी सी स्प्रे बॉटल में डाल के उसको रख लें, तो इसका भी आप स्प्रे करेंगे ना तो ये ऑलमोस्ट वही काम करेगा जो विच हेज़ल स्प्रे कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ तो मैंने ये बता दी कि जिनको विच हेज़ल स्प्रे मैसर नहीं है वो ग्लिसरीन का स्प्रे बना लें। एक टीस्पून आपने डाल दिया, 30 ml के जो वाटर की स्प्रे की बॉटल होती है उसमें जब भी आप यूज़ करें उसको शेक ज़रूर करें क्योंकि ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो आपको उसको अच्छी तरह से शेक करके स्प्रे करना है। दूसरा, अगर ये एक और काम कर लें, कुछ लोगों का कॉटन और कोकोनट ऑयल से भी मेकअप सही रिमूव नहीं होता, उन्होंने एक स्टेप ऐड कर लेना है। चावल का आटा हर जगह हर वक्त मिलता है, थोड़ा सा आपने उसमें पानी डालना है और उसका पतला सा, बहुत ज़्यादा मास्क बना के नहीं लगाना, इसका पतला सा ऐसा ऐसा लेप बनेगा जैसे फेस वॉश की तरह आपने लगा लिया, क्योंकि हम इससे क्लेंजिंग कर रहे हैं, हम इसको मास्क की तरह बहुत देर तक रख नहीं रहे, इतना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, तो इतना पतला सा बना के आपने मुंह पे लगाया और क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज आपने हल्का हल्का सा मसाज करते गए कोकोनट ऑयल के क्लेंजिंग के बाद और उसको फेस वॉश कर। फेस वॉश करने के बाद आपने रोज़ वाटर का 2 स्प्रे मारे और 2-3 स्प्रे आपने अपने जो ग्लिसरीन वाले वाटर के या विच हेज़ल स्प्रे के स्प्रे मारे एंड आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी, स्मूथ लिफ्टेड भी हो जाएगी क्योंकि इस स्टेप से आपकी स्किन में ना कॉलेजन बिल्ट हो जाएगा फॉर्म तो लिफ्ट हो जाएगी। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए अपने मनपसंद सेलेब्रिटीज़ के राज जो उन्होंने खुद बताए, जो उन्होंने खुद फाश किए हैं हमारे एक्सपर्ट्स के ठप्पों के साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपके मनपसंद सेलिब्रिटीज़ की मनपसंद जो रेमेडीज़ हैं उनको हम आपके लिए एक्सपर्ट्स का ठप्पा लगा के लेकर आए हैं। सो अब किसकी बारी थी, मैं किधर जा रही हूँ? ओके, अब हम जा रहे हैं ऐना आसिफ की खूबसूरती की तरफ। डॉक्टर बिल्कीस, क्या आप बताना चाहेंगी? ऐना तो इतनी छोटी है, जवानी का तो अपना एक हुस्न होता है, अपनी एक स्पार्क होता है, मगर इस एज में दाने भी बहुत हो जाते हैं, उनकी एज में ख्याल भी नहीं करती बालों के लिए। बालों के लिए कितने प्यारे माशाल्लाह। तो उन्होंने जो बालों का बताया था ना बच्ची ने, तो वही मैं बता रही हूँ। ऐना ने विटामिन ई ऑयल या विटामिन ई कैप्सूल आप ले लें, एक ले लें, दो ले लें। विटामिन ई वैसे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, खाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आप विटामिन ई जिन फूड्स में होता है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरा एलोवेरा जेल सही है। अच्छा, क्या बालों के प्रोडक्ट सारी बता दें आप, फिर हम उसके ऊपर तबसरा करते हैं। विटामिन ई कैप्सूल है, कैस्टर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है और एलोवेरा जेल है। ओके, ये उस उन्होंने बताया है कि इन सब का मिक्सचर लगा के 1 घंटे के लिए रखें, उसके बाद आप शैम्पू कर लें। अच्छा। तो उससे बाल सिल्की शाइनी हो जाते हैं। हाँ। ये सारी चीज़ें उन बालों के लिए बहुत अच्छा है जो केमिकल ट्रीटेड होते हैं। इनके बाल तो नहीं है ऐसे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डाई करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है डाई इस्तेमाल करते हैं, फैशन डाई इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए बेस्टेस्ट है। और इसमें एक और चीज़ मैं मिलाऊँगी तो इसमें प्रोटीन जो है ना बढ़ जाएगा और आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, या मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। सवाल ये है कि ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एलोवेरा, विटामिन ई, कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल, और आप फिर और मिला रही हैं क्या? जी, अभी मैं इसमें एग योग मिलाएंगी। क्या ये ऑयली स्कैल्प के लिए हैं, क्या ये ड्राई स्कैल्प के लिए हैं, क्या ये सेंसिटिव स्कैल्प के लिए हैं, ये आप? अच्छा, मैं बताती हूँ। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो कोई भी ऑयल आपको नहीं लगाना चाहिए। तो फिर आप रोज़ वाटर में ना, रोज़ वाटर के साथ रोज़मेरी के जो वो आते हैं पत्ते हाँ। उनको उबालकर छानकर डालें, या रोज़ वाटर में 20, अगर आपने 50 ml लिया है तो 25 ड्रॉप्स आप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के डालें, वो अपने स्कैल्प पे करें। ऑयल भी कंट्रोल होगा, बाल गिरना भी रुक जाएंगे। ठीक है, ये उनके लिए जो अभी नहा के निकलते 1 घंटे बाद ऑयल आ जाता है, ये उनके लिए बता रही हैं कि उनके लिए ममनू है, ये कोई भी ऑयल ममनू है, ये उनके लिए फ्रिजी बाल, ड्राई बाल, आपके बाल फ्रिज कलर ट्रीटेड बाल हाँ और ना टूट रहे हैं, तो ये बेस्टेस्ट रेमेडी है उनके लिए, वो आप कर सकते हैं। एलोवेरा जेल इसमें आप डालेंगे। अच्छा,
अगर आपको लगता है इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से हर एक को एलर्जी हो सकती है, कुछ को कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता, तो आप इसको भी सरसों के तेल से बदल सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से ऑयल्स हैं जिससे सब्स्टिट्यूट हो सकता है इसका? क्योंकि देखिए, किसी को कोकोनट सूट करता है, किसी को जैतून, जैसे लाइक मुझे जैतून का ऑयल सर के लिए बहुत सूट करता है। अच्छा, देखिए, अगर आपको जैतून सूट करता है, आप इसमें जैतून का ऑयल मिला सकती हैं। अगर किसी को सरसों का तेल सूट करता है तो सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोकोनट ऑयल सूट करता है, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें। अच्छा, कोई एक ऐसा ऑयल है जो इन सब चीज़ों को मिला के रिएक्शन हो सकता है, वो अवॉइड करें, ये भी बता दें। नहीं, ऑयल जो है ना, वो जो नरिशमेंट के लिए है, वो ऑयल वो हो सकता है जिससे आपको एलर्जी हो, या जो चीज़ खाने से एलर्जी होगी वो लगाने से भी होगी। अगर किसी को जैतून खाने से सूट नहीं करता तो वो जैतून का तेल लगाए बिना। अच्छा, हाँ, ये आप याद रखें। जो अगर आप बादाम खाते हैं, नट्स एलर्जी बहुतों को होती है, बादाम खाने से आपको एलर्जी है, तो आप ये नहीं समझेगा आप स्किन पे लगा लेंगे तो आपको वो सूट करेगा, कभी भी नहीं करेगा, ना वो बालों के लिए ना स्किन के लिए। एलर्जिक रिएक्शन अगर आपको है खाने से, तो इसका मतलब है बिग नो, वो ऑयल आपके लिए नहीं है। ठीक है। अच्छा, कोकोनट ऑयल वैसे साहिली इलाकों में रहने वालों को इतना सूट नहीं करता, जैसे हम कराची वाले, हम कराची वालों को या तो इसमें सरसों का तेल मिला लें तो इससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल ही डाल रही हूँ, नहीं तो आप सरसों का तेल डाल सकते हैं। अच्छा, कैस्टर ऑयल ना, अगर अगेन अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है उसके लिए तो बिग नो है, लेकिन अगर आपका बाल मतलब घना है तो फिर आप इसको अगर फ्रिज हटाने के लिए बना रहे हैं तो कैस्टर ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कोकोनट ऑयल डाल दिया, इनफ है। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ इसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए इसमें एग वाइट नहीं डालें। बालों में हमेशा एग योक इस्तेमाल किया करें, एग वाइट आप खा लीजिए। एग योक जो होता है ना, वो बालों को बहुत अच्छा करता है। ठीक है, तो आप जो है इसमें अंडे की जर्दी डालें, सफ़ेदी नहीं डालें। ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके, ये अलग। हाँ, अब इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। हम रिपीट करते हैं, इसमें इन्होंने ऐना ने बताया था विटामिन ए की कैप्सूल, कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल, कैस्टर ऑयल, ये चार चीज़ें ऐना ने बताई थी। जी, मैंने आपने इसमें जो एडिशन किया है ताकि बालों को प्रोटीन भी मिले, वो एग योग का है। एग योग का, यानी अंडे की जर्दी। जी, हाँ। और मैंने कहा अगर आपके बहुत ज़्यादा हेल्दी बाल हैं तो आप कैस्टर ऑयल ना डालें, चल जाएगा। हाँ। कि सिर्फ आप एक ऑयल इस्तेमाल करें तो ठीक है। ठीक है। ये देखें, ओके, आप इसको लगाने का तरीका ये है कि आप अच्छी तरीके से रू क्या नाम है सर की स्कैल्प पे लगाएं, लेकिन रूट्स को भी इग्नोर ना करें। जैसे याद रखिएगा, कोई भी आप ट्रीटमेंट करते हो बालों का, उसको नरिश करने के लिए, उसको हेल्दी करने के लिए, तो आपने सिर्फ लगा के छोड़ना नहीं है। जैसे हम डाई लगाते हैं ना, डाई लगाने के बाद या फैशन डाई, उसको बिल्कुल उसको पिलाते हैं अपने बालों को, इसी तरह करके आप जो है टावल लपेट लें, गर्म टावल, हाफ एन आवर के बाद नहाने से पहले आपने क्या करना है, मज़ीद आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक कप पानी में आप एक लेमन या चंद कतरे सिरके के डालकर पहले उससे रिंस करें। okay. उसके बाद आप शैम्पू करें, इससे क्या होगा, अंडे की जो बदबू है वो ख़त्म हो जाएगी बालों से। ओके, वरना एक आपने पहले एक दफ़ा बताया था कि लाइक जब शावर आप ले लें तो जो आखिरी मग से पहले है एक लेमन डाइल्यूट करके जी, पानी जी, में वो भी आप डालेंगे तो बालों में शाइन आता है। तो मैंने किया था जी, मैंने किया तो बहुत, लेकिन मेरी जो लड़की है उसने उसके ना वो छान के नहीं दिया, तो लेमन के वो नहीं होते चिप नहीं, वो छान के क्लियर जूस जो है वो लगाना चाहिए उससे। अच्छा, एक और टिप है, अगर आप बालों को सिल्की शाइनी करना चाहते हैं तो धूप बहुत अच्छी होती है, नहाने के बाद चेहरे पे ना पड़े, बालों पे जरूर पड़े, वो पीट करके बैठ जाए बालकनी। हाँ, तो उससे बहुत पीट करके बैठ जाए। हाँ, पीट करके बैठ जाए, इसके दो फायदे होंगे, एक तो विटामिन D3 एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है, जिसके बाल बहुत अच्छे होते हैं। ये दो फायदे होंगे, बेस्ट है, बेस्ट। और भी खींच के दिखा दें आपके अपने असली बाल हैं। हाँ, बाल है इनके। असली बाल है, मैंने एक अपने प्रोडक्ट का रिव्यू दिया तो उस पे नीचे आ गया कि भाई
ये इनके असली बाल नहीं, मेरे अपने बाल हैं, और मैं जो क्लिनिक में जो है ऐसे बैठी होती हूँ जैसे जुड़ा बांध के गर्मी में कोई बाल खोल के खोल हमारे यहाँ पे बहुत सारे करोड़ों एसी लगे हुए हैं तो इसलिए खोल लेते हैं, वरना हम आपको कहीं भी मिलेंगे तो बाल धोने में जंगली हालत में होंगे हम, गर्मी में नो मेकअप नथिंग जी। ओ माय गॉड, यहाँ तो हम अब जा रहे हैं एवरग्रीन ब्यूटी रीमा की तरफ। यकीन माने जितनी भी हीरोइंस हैं ये एक ऐसी हीरोइन है जिसको मेकअप के बगैर देखो तो वैसे ऐसा लगता है कि नहीं होता दूध और कोई लाल शहबत मिला हुआ, दूध और शहद का मिक्सचर, स्ट्रॉबेरी शेक, मतलब कि इनको देखने के बाद आपके चेहरे पर वो आता है कि खूबसूरत स्किन, पिंक स्किन, बाल प्यारे। तो हाँ, रीमा जो है वो सॉफ्ट स्पोकन, अपनी टैलेंटेड बाकी सारी चीजों के साथ, होस्टिंग स्किल्स, एक्टिंग स्किल्स, डांसिंग स्किल्स के अलावा वो अपनी ब्यूटी अशार का पढ़ना, हाँ अदाएगी, वो ब्यूटी पे भी उन मतलब उनको बहुत उबूर हासिल है। अल्लाह मियां ने सबको खूबसूरती दी होती, मगर इन्होंने जिस तरह अपना ख्याल रखा है, अपने बाल बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। अभी भी खींच खींच के दिखा रही थी कि ये देखो रेदा, मैंने अभी तक एक्सटेंशन नहीं लगाया, मेरे बाल असली है। और जैसे आप बता रही थी कि ऑयल आपसे बनवाती है और पूरे पूरे लिटर्स लेके जाती हैं अमेरिका। अच्छा, और वो ऐसा है कि वो हमेशा ही अपना बहुत ख्याल रखती हैं, हमेशा से वो अपने बालों से बहुत प्यार करती हैं, मतलब इतना होता है कि उनका एक बाल भी ना टूटे। वो बाल बनाते वक्त भी इतना ख्याल रखती है कि मेरा बाल ना डैमेज हो, इसलिए कि उनको अपने बालों से बहुत प्यार है। तो जब हम मिलते हैं जैसे कभी शोज वगैरह में, तो उन्होंने एक दफ़ा कहा, तो मैंने उनको ऑयल बना के दिया, वो अपना बना रही थी तो मैंने उसमें कुछ चीज़ों का एडिशन कर दिया था। अच्छा, वो जो चीज़ें लगाती थी नॉर्मली जो इस्तेमाल करती हैं उसमें सरसों का तेल, अंडे की जर्दी और थोड़ा सा लेमन जूस, इसको मिक्स करके लगाती हैं और उसके बाद वो वॉश कर लेती हैं। लेकिन उसके लगाने का भी एक खास तरीका है, इसलिए कि ये लगा के पूरी रात तो नहीं रखा जा सकता, और ऑयलिंग वो बहुत ज़्यादा करती हैं। वो कहती है बस मेरा बाल नहीं टूटना चाहिए और दूसरा तेल से स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, मतलब लाइक मैं उनको जो बना के देती हूँ या मिक्स करवाती, जैसे आपने सरसों का तेल लिया, सरसों के तेल के अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, जितना सरसों का तेल है उतना ही बादाम का तेल, अच्छा ठीक है, उसके बाद उसमें उतना ही कलौंजी का तेल, मतलब ये मैं इक्वली बता रही हूँ मैं आपको, जैसे एक एक कप तीनों चीज़ें ली, और इसमें इतना ही रोजमेरी ऑयल, रोजमेरी भी उतना ही जी, जबकि एसेंशियल ऑयल है, बट मैं इसलिए कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, बालों हेयर फॉल को ये रोकता है और ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें अच्छा मेरे पास सिर्फ कैप्सूल है दिखाने के लिए, लेकिन विटामिन ई ऑयल भी मैं उतना ही ऐड करती हूँ। अरे बाप रे, तो वो इतना रिच ऑयल बनता है कि वो, और वो बहुत खुश होकर लगाती है। अच्छा, जब ये ऑयल बन जाता है, आपने ये ऑयल चारों चीज़ें मिक्स की, सरसों का तेल, बादाम का तेल, कलौंजी का तेल, रोजमेरी ऑयल और विटामिन ई ऑयल, सारे तेल बराबर ले लिए, उसके बाद ये तेल आपका एक बन गया मिक्सचर, ये आपने लगा लिया। जैसे वो जो है वो रात को खूब लगा के मालिश करती हैं। अच्छा, हल्के हाथ से, तो वो पे पूरी ओवरनाइट रखती हैं? यस, ओवरनाइट। और क्या वो डेली लगाती हैं? एक दिन छोड़ के एक दिन, ऑयलिंग बहुत ज़्यादा करती हैं वो, एक दिन छोड़ के, या अगर शैम्पू है तो दो दिन छोड़ के, लेकिन इससे ज़्यादा गैप नहीं करती। जैसे अब अगर शूट हो रही है तो उनका मस्ट होता है कि रात को इसे के ब्लो ड्राई किया है तो उसको ऑयल लगाएंगी फिर बाल वॉश करेंगी, ताकि हीट डायरेक्ट ना लगे, मतलब खाली बालों में पूरा पूरा महीना शूट, अगर रमज़ान ट्रांसमिशन है तो बाल डैमेज ना हो। फिर जब वॉश करने से पहले, जो ये तीन चीज़ें हैं ये वॉश करने से पहले लगाती हैं, रात को ऑयल लगा लिया, अच्छी तरह से मसाज किया, उसके बाद जब सुबह जब उनको वॉश करना है तो उसमें आपने अंडे की जर्दी ली एक, एक चम्मच उसमें दही डाला और थोड़ा सा लेमन जूस डाला, इसको मिक्स करके एज अ मास्क लगा लिया ऑयल लगे हुए बालों के ऊपर। जी, ऑयल लगे हुए बालों के ऊपर, ऑयल तो अंडे की जर्दी, दही और लेमन जूस, और लेमन जूस। अच्छा, ऑयल तो पूरी रात लगा हुआ है, लगा लिया आपने पूरी रात, अच्छे में मालिश कर ली, छोड़ दिया, सुबह उठ के आपने ये मिक्सचर बनाया, इसको लगाया, आधा घंटा भी बहुत है, और उसके बाद अपना शैम्पू कर लिया। इससे क्या है कि जब आप वो रात को सोती होंगी ऑयल लगा के तो पोर्स खुले हुए होते हैं, जब वो ये सुबह लगाती हैं तो वो पोर्स के अंदर चला जाता है, जाता है, बालों को नरिश करता है, उनका एक बाल भी माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं टूटता है। जबकि और जब वो अक्सर जबकि वो अपने बालों पे डाई शाई कितना करती हैं, उनके हमेशा केमिकल ट्रीटेड बाल होते हैं, इतने लंबे बालों को आप देखिए, थोड़ा सा उनका कलर लाइट होता है, ज्यादा डार्क कलर नहीं रखती, लाइट शेड रखती है। और अक्सर इतने मजे से, जैसे हम लोग तो बालों को बांधते हैं, वो अभी भी जब चोटी बांधते शोज में भी देखा होगा, बिल्कुल एंड तक चोटी बनाती, जो हमारी नानी दादी बांधती थी, वो उनको बड़ी पसंद है, बिल्कुल आखिर तक एक एक बाल की चुटिया बना के पूंछ सी बन जाती है वो।
वो बना के एक बार भी मैंने कभी नोट नहीं किया। वो अक्सर होते बिल्कुल एंड तक बिल्कुल चोटी बांध के ना बिल्कुल एक बार भी इतना सा छोड़ती नहीं है। वेरी नाइस। तो वो मेरा बस एक बाल खराब ना, और वो बालों से जितना प्यार करती है अगर हम भी करेंगे तो हमारे बाल भी अच्छे होंगे। बहुत ज्यादा प्यार, अपनी चीजों से प्यार करना पड़ता है। आप नोट करें कि जिस जमाने में, जिस स्टेज ऑफ लाइफ में आप बहुत बिजी थे, आपने नहीं अपना ख्याल कर पाए, आपने छोड़ दिया, तो आप परेशान, ये मैं मोटी हो गई, ये मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरी स्किन खराब हो गई। लेकिन फिर जैसे ही थोड़े से बच्चे बड़े हुए, थोड़ी सी आप अपने प्रोफेशन और घरेलू लाइफ में सेट हुई, जहाँ आपने अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू की, वो फर्क साफ नजर आता है, लोग बोलना शुरू हो जाते हैं, यार चेंज हुआ है। सर्जरी तो नहीं करा ली, करा ली ऐसे ही, मुझे तो यही सुनने को मिलता है। सही बात, रोज टीवी पे आती हूँ, पता नहीं हॉस्पिटल में कब पड़ी पड़ी होती है, मतलब सर्जरी के बाद तो टाइम कहाँ मिलता है। हाँ, सो ये वाली बात है कि जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, जब आप अपना ख्याल करेंगे, सो आप दूसरों को नजर आएंगे निखरे निखरे। छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज और आपके फेवरेट एक्सपर्ट्स दोनों अंडे वेंड्रूफ हमारे शो पर। सो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, गजल। गजल सिद्दीक, गजल सिद्दीक है ना, सिद्दीकी नहीं है, सिद्दीकी। हाँ, सिद्दीकी कहते हैं, गजल सिद्दीक। और आप गजल को देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप हिसाब ही नहीं लगा सकते कि उनकी एज क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी रीज़न ये है कि ये एक्सरसाइज भी करती हैं, योगा भी करती हैं, हेल्दी खाना खाती भी हैं, और इनको बहुत अवेयरनेस है। और अपने यूट्यूब चैनल से जिस तरह ये लोगों की, मैं तो कहती हूँ हेल्प कर, बहुत हेल्प, माशाल्लाह। वो हर कुकिंग हो तो फिर कोई टोटके हो, सब चीज़ें बता, सारी चीज़ें। हाँ, और बहुत आसान होते हैं, ज्यादा चीजें भी नहीं होती इनके, बहुत लेंदी वो होती ही नहीं है कि रेमेडी में आप ये भी ले ले तो ये भी ले ले, बहुत कम चीजों में ये इलाज आपको बता देती है, बहुत अच्छे वाला। और वो करती है, बताती है जो खुद कर रही होती है। खुद के बाल कितने, बाल कितने प्यारे हैं इनके, इनके बाल बहुत अच्छे हैं भाई, मतलब अच्छे हैं। अच्छा, इन्होंने तो हमसे डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि मेरे बाल तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन कभी कभार डेंड्रफ आ जाता है, मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने कहा उसके लिए क्या करती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो यही करती हूँ। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करना चाहिए कि वो क्या करती हैं। अच्छा, बड़ा आसान है, जैसे कि वो बताती रहती हैं, अंडा मैंने ले लिया और पूरा अंडा लेना है, ठीक है। अच्छा, बालों के आपको ग्रोथ चाहिए, एक हेयर फॉल चाहिए, तो फिर आप इसका जो एग वो हमारे पास योग है वो यूज़ करें। अगर आपको डेंड्रफ के लिए चाहिए तो पूरा ही अंडा आप इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके साथ दही का इस्तेमाल, दही 1 टेबल स्पून और टी ट्री ऑयल, बस तीन चीजें इन्होंने मुझे बताई। हाँ, डेंड्रफ के लिए, बहुत सारे लोग इस चीज से गुजर रहे हैं। हाँ, डेंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता है, जिनकी बहुत ड्राई स्किन सर की होती है उनको डेंड्रफ हो जाता है, और डेंड्रफ इतना खतरनाक हो जाता है कि वो जख्म भी पड़ जाते हैं, वो खारिज कर करके पानी और ब्लड भी निकलने लग जाता है, क्योंकि उसका इलाज नहीं कर पाते हैं, समझ ही नहीं पा रहे होते हैं, शैम्पूज चेंज करते रहते हैं कि ये वाला डेंड्रफ वाला शैम्पू ये वाला है। तो आप इस रेमेडी की तरफ जाएं तो आपको इंशाल्लाह डेंड्रफ आपका ख़त्म हो जाएगा। ये तो गज़ल का ये वाला जो रेमेडी थी, तो गज़ल की थी, सिर्फ तीन चीज़ें। अगर बहुत ज़्यादा उनको जमी हुई, क्योंकि जमी हुई डेंड्रफ भी होती है कि बिल्कुल चिपक जाती है, खारिज करो तो इतने बड़े बड़े पीसीज निकलना शुरू हो जाते हैं, वगैरह कहते हैं वो तो आगे जाते जब पानी निकलता है तो सोराइसिस आगे चला जाता है, लेकिन इस स्टार्ट जब होता है ना वो ड्राइनेस से हो जाता है कि वो चिपक जाती है, तो उनको तवज्जो नहीं दे पाते हैं। फिर इस तरह से भी ये वाले हम रेमेडी यूज़ करेंगे निदा, तो इससे भी इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो उनके लिए बेसन, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्क्रबिंग करता है, बहुत ही माइल्ड तरीके से इनकी बहुत अच्छी स्क्रबिंग करेगा, आप इसी में शामिल कर दें 1 टीस्पून बेसन, इतना भी नहीं कि सर में चिपक जाए, इसको अपने अच्छे से मिलाना है, मिक्स करना है, फिर इसे आपने पूरे सर पे लगा लें। और जब आप 1-2 घंटा आपने लगा लें, उसके बाद फिर जो शैम्पू आप यूज़ करती हैं उस तरह से शैम्पू करें, ये सारा मिक्सचर भी निकल जाएगा और डेंड्रफ जो जमी हुई थी वो भी आपकी निकल जाएगी, और आपके बालों में डेंड्रफ जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। तो इतनी सिंपल सी रेसिपी थी, रेमेडी थी, करते मैं बिल्कुल कर देती हूँ। गजल की जो रेमेडी थी उसमें दही था, एक अंडा था, टी ट्री ऑयल था, जो नॉर्मल डेंड्रफ होती है, बस तीन चीज़ें। नॉर्मल डेंड्रफ हमारी कभी कभार आ जाती है बालों में, उसके लिए है। लेकिन आपकी जो जमी हुई है, वाइट वाइट है, खुश्क, आपको खुजलियाँ आ रही है उसके अंदर, इचिंग हो रही है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, 1 टीस्पून बेसन वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है, अपने बालों में लगा देना है, 1.5 से 2 घंटे तक लगा के रखना है, और फिर आपने इसको शैम्पू करना है, शैम्पू करना लाजमी है, शैम्पू कर लें। शैम्पू करने के बाद आप देखेंगे आपको बहुत फ़र्क फील होगा, और ये तकरीबन आपको 15-20 दिन तक करना है,
हफ्ते में 2 से 3 दफा ज्यादा आप ना करें, उसके बाद आप देखें इंशाल्लाह डैंड्रफ बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त, बिन मजेदार। ओके जी, अब हम चल रहे हैं, ओए मेरी हम नाम निदा मुमताज, ये हमेशा से भाई इनके बाल हो तो इनकी स्किन बड़ी अच्छी रही है। अब देखे ना सदफ कबल इन्हीं की तो है भतीजी, सो वो जितनी ब्यूटी है वो मेरे ख्याल से फैमिली में रन करती है, फैमिली में आ जाती है, इनकी अम्मी भी सो वो अपना ख्याल अब ये रखती है, वरना ये हमेशा बड़ा किचन में और ये सारी चीजों का ख्याल रखती रही है, सो अभी भी इतनी हसीन प्यारी नजर आती है। सो इनकी क्या राज आप बता रही हैं? इनका इनका भी हेयर केयर का राज बता रहे हैं, बहुत अभी भी प्यारा हेयर है भाई, बहुत प्यारा हेयर है, हेल्दी है, बेशक लंबा नहीं है लेकिन थिक है और बहुत अच्छा है और हेयर फॉल नहीं है, वो ये अपनी स्कैल्प का ख्याल रखती हैं। अच्छा, जो इनका हेयर केयर है क्योंकि ये थोड़ा सा फैशन डाई वगैरह यूज़ करती हैं, बिल्कुल लाइटर ब्राउन का ही होता है, कोई गोल्डन बाल नहीं है इनके, लेकिन डाई इस्तेमाल करती हैं, तो इनका मकसद है अपने बालों को सिल्की बनाना, क्योंकि ब्लो ड्राई के बाद अगर डाई हुए हुए बालों पर ब्लो ड्राई होता है तो बाल ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, और रोज़ क्योंकि इतने ड्रामास माशाल्लाह कर रही हैं तो रोज़ ड्राई हो जाते हैं, तो ये एक मास्क लगाती हैं अपने बालों पे अपनी बालों को सिल्की रखने के लिए। अच्छा, वैसे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं उनका फ़ायदा ही है कि उनको नहीं बालों पे कुछ भी लगाना पड़ता, वो चुटिया बांध के भी आ जाते हैं, ऐसे ही तो वो बड़े एक सेफ गेम में रहते भी होते हैं वो। हाँ। लेकिन इनका करेक्टर अक्सर कुछ थोड़ा सा ग्लैमरस होता है, या एक नहीं, नहीं, मॉर्निंग शो में आके ये फुल ग्लैमरस तैयार होती है, वरना ड्रामो में इतना ज्यादा नहीं करती थी, स्ट्रेट और ब्लो ड्राई थे, तो हम अपने बाल जब सुखा रहे होते हैं जल्दी जल्दी में होते हैं, जब ड्रायर मारना होता है तो वो हीट आपके बालों को डैमेज करती है, सिंपल भी रखें बालों को। अब ये क्या करती है, ये लेती है 2 चम्मच मेयोनीज के, ठीक है, मैं इसमें भी थोड़ा सा ऐड करूंगी, और इसके साथ दही लेती हैं 2 ही चम्मच, इसमें डालती हैं ये कुछ ड्रॉप्स लेमन के, इसके साथ डालती हैं हनी, शहद 1 टीस्पून, और 1 ही टीस्पून डालती हैं ये आलमंड ऑयल। बड़ी आसान सी चीज़ें जो हमारे घर में आराम से मिल जाती हैं, ये इन चीज़ों को डाल के बना लेती हैं एक मास्क, ठीक है, और अपनी पूरी लेंथ पे लगाती हैं, ये बहुत ज़्यादा रूट्स में नहीं लगाती हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना सब आपके बालों को शाइन देंगे, आपके बालों में लाइफ पैदा करेंगे, वो जो बिल्कुल मुरझाने शुरू हो जाते हैं कभी कभार यहाँ से वहाँ ट्रैवलिंग में क्लाइमेट की वजह से, तो ये बालों में जान दे देते हैं, तो इनकी रेमेडी मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन कभी कभार ये होता है कि हमें ना जिनके डाई हुए हुए बाल होते हैं ना वो ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो उनको थोड़ा सा सर में मसाज भी चाहिए, तो अगर इसी रेमेडी में मैं थोड़ी सी क्रीम भी शामिल कर दूँ तो ये और इतना ऑयल का भी बेनिफिट देंगे, क्योंकि डाई बालों में भी कभी भी हम ना ऑयल रेकमेंड नहीं करते कि ऑयल का बहुत ज़्यादा मसाज तो ऑयल जल्दी रंग जल्दी। अच्छा, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम ख़त्म करूँ ना, मैं कैसे भूल सकती हूँ सना फ़खर जी। सना जो है वो बेसिकली एक मिसाल है बहुत सारी ऐसी खवातीन के लिए जो बच्चों के बाद अपने आप को छोड़ देती हैं। सो सना जो है वो प्रेगनेंसी में ठीक ठाक उसका वज़न बढ़ा था, मगर अगर आप उसको अब देखें तो बच्चों के बाद प्रेगनेंसी में इतना वजन होने के बाद फ्लैट बेली आपको मिल जाना अपने, मतलब ये कोई हाउसवाइफ नहीं है बेचारी, ये तो इतनी वर्किंग हार्ड वर्किंग है, कितने शोज कितना काम करी होती है, उसके बावजूद कोई बहाना नहीं, बच्चों को तन तना अकेली देख रही होती है। सो फ्लैट बेली सना की कैसे है ये प्लीज़ आप बताइए हमें, क्योंकि उससे इंस्पिरेशन तो मैंने भी ली है। अच्छा, 3 चीज़ें हैं सना ने बताया है कि खीरा, अदरक और लेमन, ठीक है, हमेशा मैंने भी आपको सिखाया कि अदरक थम जितना टुकड़ा आपने लेना है। अच्छा, इसकी स्किन रिमूव नहीं करें, स्किन के साथ बहुत अच्छा धुला हुआ हो अदरक, आप ये चॉप कर लें। अच्छा, खीरा 1 अदद। अच्छा, सना इसमें पानी भी कहती है ऑप्शनल और आइस क्यूब, तो मैं इन दोनों को कहती हूँ कि ना हो तो बेहतर है। क्या क्या पानी? पानी भी नहीं और आइस क्यूब भी नहीं इस उसमें जी। जो सना रेमेडी बनाती है उसमें क्या क्या होता है? उसमें अदरक है, उसमें खीरा है और लेमन जूस है। अच्छा, ठीक है, ठीक। और साथ में वो कहती है ऑप्शनल है कि अगर पानी मिलाना चाहे तो आप मिला लें। अच्छा, खीरा में खुद इतना पानी होता है कि जरूरत नहीं, आपको जरूरत नहीं, आप वो भी ना मिलाएं, ठीक है। अच्छा, जल्दी से बताएं डॉक्टर बिल्किस, टाइम खत्म। अच्छा, टाइम खत्म है तो बस सही, खीरा डाल दिया,
अदरक, फिर इसमें लेमन जूस, आप एक लेमन का जूस डाल दें। मैं जो इसमें ऐड कर रही हूँ वो भुना हुआ जीरा है, एक टेबल स्पून, टी स्पून नहीं, एक टेबल स्पून भुना हुआ जीरा डाल दें, ब्लेंड कर दें और आप इसको पी जाएं या खा जाएं। निहार मूंग पीना है? निहार मूंग बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको अल्सर नहीं है तो, ठीक है। अदरक है ना, कभी कभार ये बॉदर करता है, नहीं तो ऐसे वक्त पूरे दिन में जब आपका पेट खाली है, ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू आप सब लोगों का अपने ठप्पे लगाने का। तो जी ये था आपके लिए फायदेमंद प्रोग्राम, मिस कर गए ना तो हाय सर पे ना इस तरह करें, बल्कि कुछ देर बाद यूट्यूब पे देख लीजिएगा या रात को रिपीट में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।